वाली बात होगी कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से अगर आज की तारीख में देखा जाए तो पहली बार पूरी तरह से जो सरकार है वो एक प्रकार से जो चीजों में मौलिक भारत विश्वास रखता है उन चीजों में हमारी सरकार भी विश्वास रखती है। उसकी राष्ट्रीयता के बारे में इस सरकार की बहुत ही क्लियर थिंकिंग है। उस थिंकिंग का अगर प्रूफ देखना चाहो तो 2 साल पहले 5 अगस्त को जब धारा 370 तोड़ करके कश्मीर का पूर्ण विलय हिंदुस्तान के साथ कर दिया गया तो एक बहुत बड़ा काम था। मौलिक भारत इन चीजों से पूरी तरह से एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि सेम विचारधारा रखता है। और इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो चुनौतीपूर्ण है, पूरी दुनिया की बहुत शक्तियां हैं जो भारत विरोधी शक्तियां पूरी कोशिश कर रही हैं हमको डिस्टेबलाइज करने की, तो हमें अपने आंख और कान खोल करके रखने चाहिए। और जो लेफ्टिस्ट लॉबी है पर्टिकुलरली जिसको मैं एंटी इंडिया लॉबी भी बोलता हूँ काफी हद तक, क्योंकि कोई भी आदमी अगर चीन का समर्थन करता है गलवान के युद्ध के बारे में तो ऑब्वियसली मैं उसको एंटी लेफ्टिस्ट ही मानूंगा, वो देशभक्त नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टीज जो है वो इस प्रकार के ज्ञान देती हैं और चीन का समर्थन करती हैं जब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है और गलवान की बात आती है। तो मौलिक भारत को काउंटर नैरेटिव देते रहना चाहिए, अपना जो डायलॉग इंडिया है उसके माध्यम से काउंटर नैरेटिव जाता रहता है, लेकिन शायद इसको ट्विटर के ऊपर भी थोड़ा वो एक्टिव होना चाहिए। अभी कूप नाम उसे एक ऐप आई है जो कि हिंदुस्तान में काफी पॉपुलर हो रही है, बाहर के विदेशों में भी अफ्रीका में पर्टिकुलरली खूब पॉपुलर हो रही है, और फेसबुक इत्यादि पे भी मौलिक भारत थोड़ा और अफेक्टिव होना चाहिए। कुछ चीजें जो हमारे देश का एजेंडा अधूरा है अभी तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब हिंदुस्तान का संविधान बना था तब इसकी बात हुई थी, आज उसकी बातचीत बड़ी तेजी के साथ चल रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी मौलिक भारत एकदम पूरे जोर शोर के साथ इसके समर्थन में आगे आ सकता है। और जो चुनौती है मेरे विचार से इस समय हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में 55 से ऊपर लगभग मुस्लिम राष्ट्र हैं, इसी तरह से 55 से 60 से ऊपर क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, 100 के लगभग होंगे, 100 से भी ऊपर ही होंगे। एक हिंदू राष्ट्र 80% आबादी होने के बावजूद भी कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, और हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो वो सनातन धर्म परंपरा के ऊपर चलने वाला राष्ट्र होगा जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है सभी वर्ण सभी धर्म सभी की जो प्रशंसा करता हो और सभी को एक साथ लेकर के चलने वाला ऐसा हमारा सनातन धर्म है। तो अगर उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो मेरे विचार से मौलिक भारत खुल करके हिंदू राष्ट्र के समर्थन में भी एक पूरे हिंदुस्तान में व्यक्तियों पूरी दुनिया में एक विचारधारा बना सकता है, पूरी दुनिया के लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं। हमारी संस्था का जो विस्तार है पूरे भारत में मैं देख रहा हूँ, कुछ कुछ जगहों से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि एक्टिव हैं, कुछ जगहों पे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। हम सबको एक्टिवेट करने की कोशिश करें, और आज ये जो माध्यम है ऑनलाइन मीट करने का ये बहुत ही बढ़िया माध्यम हमको कोरोना का गिफ्ट मैं मानता हूँ इस चीज को, कि जो चीजें हम करना चाहते थे पहले ऑनलाइन लेकिन कर नहीं पाते थे, एक प्रकार से रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टू चेंज, वो अब दिमाग से वो निकल चुका है। हम अब बिल्कुल बैठे हुए भी एक साथ बातचीत कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है जब भी ऑनलाइन चीजें होती हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ लगभग सभी लोगों ने म्यूट किया हुआ है एक आधे को छोड़ करके, तो ये हम सब लोगों ने धीरे धीरे डिसिप्लिन सीख लिया है ऑनलाइन भी वार्तालाप करने का, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरे देश के कोने कोने में मौलिक भारत के जो वॉलंटियर्स हैं और अधिकारी हैं उनको जोड़ सकते हैं और मौलिक भारत का विस्तार तेजी के साथ ऑनलाइन माध्यम से और बढ़ सकता है। अभी मैं इतना ही कहूंगा, बाद में कोई और विचार होंगे तो मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। अनुभव जो भारत साथ है।
धन्यवाद अनुज जी, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने मेरा। मीडिया में हूँ, पता नहीं बड़ा नाम हूँ कि नहीं ये तो पता नहीं। जी को काम करते देखती थी मैं, सोचती थी कितना मेहनत करते और कितनी सारी चीज़ों पे एक साथ काम करते हैं। तो मैं मौलिक भारत से करीब 6 साल से तो शायद उनकी कार्य पद्धति को देखती रही, उनकी मीटिंग्स को अटेंड करती रही, पर इस साल अनुज जी ने मुझे कुछ कार्य सौंपा है। आशा करती हूँ मैं पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ आपके इस कार्य को आगे बढ़ा पाऊंगी। तो छोटा सा परिचय दूंगी, मीडिया में नहीं हूँ, सिर्फ टेलीविजन से ही जुड़ी हूँ। पर जो करियर की शुरुआत मैंने जी टीवी से की थी, तो जी टीवी जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ही चैनल था उस वक्त, तो वहाँ पे जब हेड ज्वाइन किया मैंने, हमारे बहुत पॉपुलर शोज होते थे, सारे गामा, अंताक्षरी, वो सब मेरे अंडर बनता था। उसके बाद हम लोगों ने इन हाउस ही बहुत सारे प्रोडक्शन किए जिसकी हेड मैं थी, तो 4-5 प्रोग्राम से लेके मैंने शायद 40 प्रोग्राम बनाने शुरू किए थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे जी टी वी का जनरल मैनेजर बनाया और कई नई चैनल शुरू करने की मुझे बात कही। तो उस टाइम पे जी न्यूज़ एक चैनल तो नहीं था, 3-4 घंटे का एक स्लॉट था हमारे पास, तो मुझे कहा गया था कि 24 घंटे का एक हमको न्यूज़ चैनल शुरू करना है। तब हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कोई फुल 24 आवर न्यूज़ चैनल होता था, तो उस वक्त पहली बार मैंने 24 आवर जी न्यूज़ चैनल बनाया था, उसको चलाया मैंने। जब वो एस्टैब्लिश हो गया फिर उन्होंने मुझे रीजनल चैनल्स बनाने को कहा, तो उस टाइम पे इंडिया में रीजनल चैनल्स नहीं होते थे, तो मैंने जी बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी जैसे कई सारे प्रोग्राम्स चैनल्स बनाए। उसके बाद मैं US चली गई, US में टीवी एशिया चैनल है, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट रही, मैं करीब 10-12 साल वहाँ काम किया मैंने। उसके बाद 2013 के आसपास मेरा मन किया कि मैं वापस आऊँ देश में, और तब सत्ता परिवर्तन का बड़ा एक वो था कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए इस देश में, तो मैं इंडिया वापस आई। थोड़ा मैंने भाजपा की मदद की मीडिया में, और उसके बाद मैं CEO रही लोकसभा टीवी की। और अभी लॉकडाउन का वक्त है, हम लोग सब घर पे हैं, मौलिक भारत बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर हम ज़मीन से जुड़े हुए काम नहीं कर सकते तो हम सबके पास घर पे बहुत वक्त है बहुत सारी चीज़ों को सोचने का, बहुत सारी चीज़ें जो मौलिक भारत कर सकती है, वो जैसे बहुत सारे लॉज जो हैं वो पुराने हैं, कुछ नए लॉज लाने की ज़रूरत है। हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल, माइनॉरिटी मेजॉरिटी इश्यूज, ऐसे कुछ मुद्दे जो सरकार को इमीडिएटली देखने की ज़रूरत पड़ेगी, उन पे हम शायद प्रेशर ग्रुप के तौर पे ज़रूर काम कर सकते हैं। आगे हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ऐसे ही कई मुझे लगता है 4-5 मुद्दे अगर हम स्ट्रॉन्गली उसकी फेवर में हवा बनाए, माहौल बनाए। मौलिक भारत पूरे देश में है और कार्यकर्ता बहुत बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत हार्डवर्किंग है, मुझे लगता है हमको इन कुछ मुद्दों को लेकर हम घरों से ही, अगर थर्ड वेव ना आए, खुदा ना खास्ता ना आए तो अच्छा रहेगा, तो वो हम लोग इन चीज़ों पे काम करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। आगे और भी सुझाव देती रहूँगी, मुझे लगता है पहले हम लोग अपना ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद अनुज जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये कहना कि मौलिक भारत का जो मूल स्वरूप है वो मेरे जैसे कई युवाओं के लिए एक आस है। जब मैं आज से 10 वर्ष पूर्व अपने आप को देखता हूँ, ये नहीं, हाँ ये, तो हर वो चीज जो गलत होती दिखती थी उसके लिए आंदोलन करने की प्रवृत्ति जगती थी, ये स्वभाव से शायद हर लेकिन प्रवृत्ति को साकार चिंतन देने का काम कर पाया मेरे लिए तो वो मौलिक।
आज तेरे को लैंड दिया है मौलिक भारत ये जला दो बेटा ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता अनुभव के कारण है मैं अभी वर्तमान में कर्नाटक प्रदेश ये वाली ये जो ये वनवास कल्याण के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण का प्रांत प्रचार प्रसार वो बंद कर दो दोनों 11 करोड़ आदिवासियों के लिए उनके हक के लिए उनमें जो धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं उसके लिए हम लोग दिन रात जागरूक रह के दूसरों को भी जगाते रहते हैं और उनके हक के लिए लड़ाई करते हैं। अभी हाल में ही वनवासियों को वन का अधिकार वापस मिले इसके लिए हमारी एक रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और सभी वनवासी जो कि अपने अपने वनों के उपयोगिता के अधिकार से वंचित रह गए थे और मजबूरन उनको माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जाना पड़ता था और नतीजा ये होता था कि वहाँ पे धर्मांतरण का प्रलोभन प्लस प्रवासियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और इन सब चीज़ों की जो है कि उनको रेपुटेशन जो उसका होता है वो देखना पड़ता था। मौलिक भारत क्यों ये ज्यादा जरूरी प्रश्न लगा जो सारे प्रश्नों की सूची थी वहां संस्थाएं हजारों हैं उस समय भी थी आज से 8 वर्ष पूर्व भी थी लेकिन विश्वास का जो केंद्र होता है ना वो बहुत कुछ जगहों पे रहता है और पिछले 8 वर्षों में मौलिक भारत ने समाज के रकेट का बिना अपना कोई निजी शासन रखे हुए ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। नहीं तो सबसे पहले किसी चीज के पीछे अगर विरोध में खड़ा होने वाला कोई होगा तो वो मेरे जैसा ही इंसान क्यों होगा। मैं डीएनडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो पहले हुआ करता था ये मौलिक भारत की एक विचार थी और दृढ़ संकल्प था। उस डीएनडी के लिए बहुत सारी संस्थाएं लड़ रही थी और जैसे अभी थोड़ी देर पहले अमित भैया ने कहा कि समाज ही बिखर गया तो सामाजिक संस्था का क्या, वैसे उस समय पे बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी बिगड़ी हुई थी और बिखरी हुई थी। सारी संस्थाओं को एक साथ जोड़ करके ला के और एक फोकस्ड उसके साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम करके सरकार पलट करके आपने एक नई सरकार बना दी है और अपनी नीतियों के तहत बार बार जागरूकता फैला करके वो अपने आप में बहुत सारी संस्थाओं को सीखने के लिए। और आज भी हमारा रोल यही होना चाहिए कि एक जो मूलतः हमारी एक्सेप्टेंस समाज में गई है कि हम नैरेटिव दें लोगों को जो आपने कही थी बात कि हम क्या करें। बहुत सारे युवाएं हैं समाज में आक्रोश फैल रहा है युवाओं में आक्रोश है उनको दिशा देने का काम मौलिक भारत को करना। पहली चीज हम जो कर सकते हैं वो है व्यक्ति निर्माण जो कि आपके इनपुट से और जो भी आपके रिसर्च वर्क होते हैं जो कि थॉट प्रोसेस लेकर के आए प्लस समाज निर्माण क्योंकि समाज टूट रहा है। ये बात सत्य है कि समाज टूट रहा है लेकिन उसको टूटने नहीं देना है इसके लिए व्यक्ति हर एक व्यक्ति को मजबूत बना के रखना है ताकि वो समाज को फिर से जोड़ सके। व्यक्ति निर्माण समाज निर्माण और उसके बाद व्यवस्था निर्माण तब हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके लिए एक रूपरेखा साथ में तैयार करके चले और इन सब के परिधि पे जैसे त्रिकोण पे श्री बैठती हैं तो इन त्रिकोणों पे राष्ट्र बैठेगा तो ये बनेगा वो चीज और उसके बाद फिर राष्ट्र की निर्माण बनेगा व्यक्ति समाज व्यवस्था और राष्ट्र ये राष्ट्र का निर्माण फिर उस तरह से निकलता है। दो फ्रंट पे भैया मेरा एक अनुभव है वैसे आप ही लोगों से सीखता रहता हूँ लेकिन मेरा एक अनुभव है जो कि अभी मैं परिवेश में देख रहा हूँ। दो फ्रंट पे काम हम लोगों को जो पहले भी कर रहे थे हम करते रहेंगे एक काम जागरूकता का सशक्तिकरण का और दूसरा काम स्टैंड लेने का। हम जागरूक भी करेंगे अनेक लीडर्स क्रिएट होंगे अनेक अनुज अग्रवाल क्रिएट होंगे अनेक कैप्टन कमांडर वी के क्रिएट होंगे अनेक सीमा गुप्ता जी क्रिएट होंगे इस तरह के बहुत लीडर महेश सक्सेना जी क्रिएट होंगे बहुत लीडर्स क्रिएट होंगे। क्यों होंगे क्यों इस विश्वास से कह रहा हूँ
क्योंकि इसी संस्था से निकले हुए आज के डेट में कितने सारे लीडर्स समाज में हैं और किन किन जगहों पे जा चुके हैं, ये किसी से छुपा नहीं। जब इस मंथन से इतने सारे लीडर्स निकल सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मौलिक भारत की क्षमता क्या है। ये एक उतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और आज के डेट में सही दिशा बिना भटकाव के अगर किसी को देने के लिए मेरे नॉलेज में अगर कोई संस्था है तो मौलिक भारत उसमें से एक है। और इसके साथ जुड़े हुए जिन लोगों से मेरा परिचय है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, उन सब की जो विश्वसनीयता है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। ये चार बिंदु मुझे कहने थे भैया, इतनी सारी चीजों कह के मैं अपनी अभी की बात को विराम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पुनीत जी, बहुत अच्छे बड़े सबका सुझाव। और आप यह चिंतन की गहराई जो है उससे हम हमेशा प्रभावित रहे हैं। कम उम्र का बड़ा अच्छा आपका चिंतन किया है, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव को साथ में। अमित जी शाहजहांपुर से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश मौलिक भारत के अध्यक्ष भी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार चिंतक भी हैं, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं और साहित्यकार भी हैं, गीतकार भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी लिखते हैं। कई सारे इनके फिल्मों में इनके गीतों का चित्रांकन भी हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि अमित जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने काम के बारे में, मौलिक भारत के बारे में आपके क्या सुझाव हैं। आपने लगातार लिखा है डायलॉग में मौलिक भारत के बहुत सारे इश्यूज पर, आगे हमें हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर आपके सुझाव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मौलिक आपका, मौलिक भारत का, आप सभी लोगों का अभिनंदन। ये महत्वपूर्ण है कि जो अभी कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो एक पूरा परिदृश्य बन रहा है, उसमें ये बड़ा अच्छा मौका, साउंड कमी आती है, जो स्वदेशी की अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि उसकी तरफ लोग, और स्वदेशी की अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि वो सभी सांस्कृतिक चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना है। जो केवल सरकारी स्तर पे होना संभव नहीं है, इसके लिए हमें व्यक्तिगत प्रयास भी करने पड़ते हैं। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण विषय हमें लगता है कि वो प्रकृति का है। जब लॉकडाउन हुआ तो प्रकृति ने ऐसा महसूस किया जैसे उसके लिए एक लॉटरी लग गई हो, प्रकृति रूपी जो पॉल्यूशन कम हुआ, पेड़ जो है उनकी रंगत बदल गई। आप पक्षियों को देखिए, बहुत सी चिड़िया जो गौरैया जैसी चिड़िया जो हमें वापस दिखने लगी, उसका मतलब है कि एक जो ये दो फेज हैं, एक प्री कोरोना और एक पोस्ट कोरोना। अब जो मौलिक भारत का चिंतन है वो पोस्ट कोरोना फेज के लिए यही होना चाहिए कि जो सनातन संस्कृति के आधार पर जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें पशुधन जो था वो इस तरह महत्वपूर्ण हुआ करता था, उसके आधार से किसी व्यक्ति कितना सक्षम है आर्थिक रूप से उसका एक मूल्यांकन हुआ करता था। तो हम एक उस चीज़ पर लौटे और उस चीज़ को लेने की हम केवल परंपरा पर लौट रहे हैं, तो हम वैश्विक चीज़ों को जोड़ रहे हैं, अपनी परंपरा जो को हमें वैश्विक परिदृश्य के साथ जोड़ना है। जो वैश्विक रूप से चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी तक क्या होता था कि हम पश्चिम की चीज़ें खरीदने की तरह बढ़ रहे, अब हम अपनी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं योग है या गौमूत्र है या गाय से बनी हुई दवाइयाँ हैं उसका जो उपयोग है अब समझने लगा है कि पश्चिम की इनके साइड करती है, तो अब हमें वो वाला मार्केट तलाशना है। जैसे मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसमें विदेशी चीज़ों की वजह से भारत में निर्माण हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ वो विषय वो है कि जो भारत की चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसका हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ना है। और जब हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो जो चाइना के साथ जो जो दिखता रहता है बार बार, जो बड़ा इसके ऊपर भी कमांडर साहब भी कह रहे थे, इंटरनल हर चीज़ में हमारे चीज़ में चाइना घुसा हुआ है। हर घर में हम दिवाली पे हम लोग एक मूर्ति लेके भी आते हैं तो उसकी मेडिंग चाइना उसकी करती है। मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ पर एक समय पहले बहुत बड़ा कालीन उद्योग हुआ करता था, भदोही से एक्सपोर्ट होता था और शाहजहांपुर में उसकी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का उसमें काम हुआ करता था। 2010 के बाद से एक ऐसा बड़ा चेंज आया कि इसके मजदूर मिलने का काम बंद हो गए, नरेगा के जरिए चले गए और लोगों ने अपनी जैसे मैं अभी तालीम का बता रहा था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
कि जो कालीन उद्योग था या जो भी हमारे कुटीर उद्योग थे, जैसे 2010 के बाद अचानक से ये परिवर्तन आया कि उसके लिए कारीगर मिलने बंद हो गए, क्योंकि हुआ ये कि उसको कारीगर जो उसके मजदूर थे वो जगह में चले गए, उनको जब फार्म फी में पैसा मिलने लगा तो उन्होंने बाकी जगहों पे काम करना बंद कर दिया, और चूँकि उसमें उनको भविष्य नहीं दिखा तो उन्होंने अपने बच्चों को वो हुनर नहीं सिखाए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उसके मजदूर मिलने कम हो गए तो उसकी जो कॉस्टिंग थी वो बढ़ने लगी, और जो मशीन मेड कालीन थे इसको वो आगे बढ़ने लगे, उसकी उसकी कीमत बड़ी कम रुपए में वो चीज़ें अवेलेबल होने लगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इस तरह के हुनर थे वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, और जब वो विलुप्त हो रहे हैं तो उनके साथ के जितने उनके जुड़े हुए रोजगार थे वो ख़त्म हो रहे हैं। अब जब कोरोना के बाद जो ये लोग सारे मजदूर NCR से और जो शिफ्ट हुए हैं वापस गाँव की तरफ आए हैं, अब आवश्यकता ये है कि मौलिक भारत के द्वारा या सरकार के माध्यम के द्वारा जिस भी माध्यम से हम वो जागरूकता कर पाएँ कि वहाँ पर जो लोग वापस गांव में आए हैं उनको वहीं पर रोजगार मिलेगा, क्योंकि वही आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और व्यवस्था का पहिया घूमना शुरू होगा। ऐसे एक बड़ा विषय बड़ा महत्वपूर्ण था जो अनुज जी से एक दिन बातचीत हो रही थी, उन्होंने रखा कि सरकार के पास हमारे पास काफ़ी फॉरन रिजर्व है, हम बड़ी कंपनियों को वो पैसा देने के बजाय अगर उनमें से कुछ पैसा हम ग्रामीण स्तर पर या निचले स्तर पर लोगों को दें तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो सामान खरीदना शुरू करेंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया हमारा घूम जाएगा। अर्थव्यवस्था का पहिया जो घुमाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो नीचे के स्तर पे है, जो माइक्रो लेवल पे है, ग्रामीण स्तर पे है, और जो भी प्रयास अभी हो रहे हैं वो ऊपर से नीचे के लिए हो रहे हैं, और शायद हमें लगता है यही एक समस्या की मूल वजह है। सरकारें जो भी कर रही हैं, 14 के बाद से बड़ा परिवर्तन आया है, सनातन संस्कृति की बातें भी हुई हैं, जो पे काम भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत से जो मूलभूत परिवर्तन है वो अभी कॉर्पोरेट संस्कृति वाले ही ऊपर से चल रहे हैं, उसके प्रभाव नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे OTT प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत सा देखा है कि जिस तरह की अश्लीलता की चीज़ें हैं उस पर भी अभी कुछ काम नहीं दिख रहा है, तो ये जो सब चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें नीचे तक के जो स्तर हैं जब तक वहाँ बदलाव नहीं होगा, और शायद मौलिक भारत का जो असली काम है वो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके ऊपर काम करने के ऊपर होना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को अपना एक छोटा सा परिचय, मैं अनु सिन्हा विद्यांगना हूँ, पंडित राजेंद्र गैगानी जी की शिष्या हूँ, और अपनी एक संस्था पिछले 20 वर्षों से फाउंडेशन। तो मैंने सब कुछ सुना, अभी कमांडर साहब ने भी बहुत अच्छे तरह से अपनी बात को बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग बहुत दूर दूर रहते हुए भी सभी के साथ इतना आसानी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन है कोरोना काल में। और जिस तरह से हमारे और भी जो अभी फिल्म इंडस्ट्री से कोई जुड़े थे उनका नाम मैं ठीक से नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि मैं भी इसको अभी लैपटॉप पे लॉग इन नहीं कर पाई हूँ, फोन पे मैंने लॉग इन किया है तो मैं ठीक से नहीं देख पा रही हूँ, सभी को नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। उन्होंने भी जिस तरह से बताया है कि बुनकरों की जो अभी स्थिति हो गई है उस किस तरह से हम लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से मौका दे सकते हैं। सीमा जी ने बहुत अच्छी बातें करी, और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है उनका अनुभव हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ और भी कई लोग अपने अपने सुझाव रख रहे हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमारे बीच महेश सक्सेना जी को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, हम सभी के हम लोग को शुरू से उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और हम लोग हमेशा उनके आशीर्वाद लेकर अपने काम को आगे कर रहे हैं इस फील्ड में, नोएडा में खासकर समाज और कल्याण, ये कला संस्कृति सभी क्षेत्र में उनका एक बहुत अच्छा अनुभव है और उन्हीं के अनुभव के सहारे हम सभी लोग चल रहे हैं। भारतेंदु जी भी हमारे साथ में हैं, मैं इनको देख पा रही हूँ, भारतेंदु जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। आप हमारे संस्था के लिए इन्होंने बहुत सहायता की है हमेशा, पिछले 3 वर्षों से जब से हम नोएडा संस्कृति महोत्सव ने किया है उसके बाद आज तक जब भी हम ऑनलाइन भी कार्यक्रम करते हैं उसमें भी आपने बहुत अपना सहयोग दिया है, आपको इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना लंबा समय जो कला संस्कृति के प्रचार प्रसार में चल रहा है, भगवान इसको और खूब हम सभी को शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे कि हम सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लोगों को लेकर इसी तरह से अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे और इसी तरह से आप एक दूसरे के सहमति से सहयोग से और इस मौलिक भारत को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाए, ये हमारी काम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे कला संस्कृति के क्षेत्र में अनुजी का योगदान।
बहुत सराहनीय है। लगातार नए नए कलाकारों को इसीलिए हमारे भारत में पूरे देश में कलाकारों के नेटवर्क रुचि के जुड़ा है और हर भारतीय संस्कृति की विधा हरीश चंद्र जी हमारे बैठे हैं। बहुत बड़े कवि अंतर्राष्ट्रीय कवि और दिल्ली के संस्कार भारती के अध्यक्ष भी हैं। हमारे वो काम देखते भी रहे हैं लगातार किस तरीके से कला संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमारे भारत लगा रहा है। मुझे के साथ मिलकर हम उस चीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सारिका गवर्नर जी भी मुझे दी है हमारे भारत की महासचिव है। मैं सारिका जी से कहूंगा अपना परिचय दें और थोड़ा सा बताएं कुछ संस्था के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं सारिका अग्रवाल महासचिव हूँ मौलिक भारत संचालन समिति में और आप सब लोगों का जो फिजिकली और डिजिटली दोनों माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब लोगों का स्वागत करती हूं। और मैं देख पा रही हूं अनुसिन्हा जी आपको नमस्कार बहुत बहुत, पार्थेंदु भैया नमस्कार, अमित जी नमस्कार, सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मौलिक भारत का पुनर्गठन हुआ है और इसमें कुछ नए लोग हैं और कुछ पुराने लोग हैं और मैं सब लोगों का स्वागत करती हूँ। विंग कमांडर वी के शर्मा जी नमस्कार, ये हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। एंड सीमा गुप्ता जी आपको मैं देख पा रही हूँ नमस्कार बहुत बहुत। एंड और जैसा कि अनु जी ने बताया कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि ताकि हम सब लोग अपने अपने सुझाव दे सकें कि हमें किस हमारे संगठन को किस तरह के काम करनी चाहिए जो एक समाज में अपनी अपनी एक छाप छोड़ सकें। सो इसीलिए बाकी का काम अनु जी कर ही रहे हैं, वो भी संचालन करते रहेंगे। और जो मेरा सुझाव है ये है कि आप जो भी सुझाव दें वो ऐसे दें कि जो पोस्ट कोविड जो सिचुएशन बनी है हमारे समाज में उससे रिलेटेड हो थोड़ा सा, ताकि वो हम सामाजिक मुद्दों पे समाज से जुड़ सकें। और मेरा ये भी कहना है कि मैं जो काम करना चाहूँगी वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में करना चाहूँगी और सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार। संगठन मंत्री आज उनको यहाँ होना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं है, ये एक नाराजगी वाली बात भी है। धीरेन्द्र जी संगठन को आपके आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, कैसे देखते हैं अपनी भूमिका और आगे के लिए क्या आपके सुझाव हैं? आप सभी को नमस्कार। मैं आज उपस्थित नहीं हो पाया, फिजिकली आदेश था अनुज भाई का और मैं उपस्थित नहीं हो पाया कि मैं कुछ हमारे इधर फार्म हाउस थे कुछ डेमोलेशन वगैरह का कुछ कार्रवाई वजह से फार्म पर रहना, इसलिए नहीं आ पाने के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी। मौलिक भारत का जो मेरा जुड़ने का और अभी तक साथ चलने का, आप सभी को पता उतार चढ़ाव काफी आते रहे हैं, परंतु 2010 से 2014 का जो कालखंड हम देखते हैं जिस प्रकार से देश धर्म संस्कृति पर काले बादल मंडराए हुए थे, उस समय उन वीर बलिदानियों की जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो उनके इस देश को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का जो उनका स्वप्न था, तो उनके दिमाग में बस एक चीज थी कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम विचार रहे ना रहे। और इसी में जो इस महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी रहे, उन्होंने बोला था कि जिस राष्ट्र ने चरित्र खोया उस राष्ट्र ने सब कुछ खोया। तो आप समझ सकते हैं 2014 का कालखंड, चंद्रशेखर आजाद जी के कहे हुए वो वचन और मौलिक भारत, आप इन तीनों चीजों को मिलाकर देख सकते हैं। जिस राष्ट्र ने चरित्र खोया उस राष्ट्र ने सब कुछ खोया, उसी राष्ट्र को बनाने के लिए वो मौलिक भारत कैसा हो, उस मौलिक भारत का गठन मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं साथ में, मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं साथ में रहा और अनुज भाई का और आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज की जो परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं कोविड और जो अन्य परिस्थितियां तो है ही हैं, परंतु जो हमारी देश की सुरक्षा का मामला है,
सबसे पहले जो देश की सुरक्षा का मामला है, आप देख सकते हैं एक समय के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारे पास लड़ाकू विमान वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी। और आज के समय में आप देख सकते हैं चाय वाले प्रधानमंत्री जी ने जहाजों की, तोपों की, हर चीज की झड़ी लगा दी। तो किसी भी राष्ट्र को सशक्त करने के लिए उसकी सेनाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा सशक्त होना उस देश के जो लोग हैं उनका सशक्त होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावना से ही वहां की सरकार चलती है। तो इसलिए अगर मौलिक भारत, जो क्योंकि नाम ही ऐसा है मौलिक भारत, तो इसी मौलिक भारत का जन जागरण करने के लिए हमें वर्चुअल तो हम लोग लगे ही हुए हैं अपने अपने प्रयास जो हम कर रहे हैं, अनुज भाई डायलॉग इंडिया, मौलिक भारत और अन्य चीजों के माध्यम से कर ही रहे। अब हमें जो हमारे अनुभव हैं इतने सालों के, क्योंकि 2010 से 2014 का कालखंड और 2014 के बाद जो हमारी अपनी सरकार, जो हमारी अपनी विचारधारा की सरकार है वो आई, इन सबका अनुभव लेते हुए हमें जमीन पर अब उतरने की जरूरत है। और मैं समझता हूं आज के समय में अनुज भाई जैसा विद्वान, और जिसके पास विद्वान कोई तारीफ करने के लिए नहीं, आप सभी भी जानते हैं क्योंकि जिस फील्ड से अनुज भाई हैं वहां पर लाखों लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, अनुभव मिलते हैं, उन अनुभवों के आधार पर हम जमीन पर उतरकर कार्य कर सकते हैं। और जो ये कार्य करना है, मेरी जो कार्यशैली रही है वो आगे बुद्ध और पीछे युद्ध, यानी हम बात भी करें, योजनाएं भी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं अब तक जो जैसे भी जो चीजें चलती आई हैं, अब आगे से जैसे भी संचालन समिति, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूं, आप सभी के जो सुझाव होंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ जन हैं, अनुभव भी हैं और हर एक क्षेत्र से मौलिक भारत में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे सेना के क्षेत्र से हों, शिक्षाविदों, कानूनविदों, पत्रकारों, साहित्यकारों, सभी लोग जुड़े हुए, उन बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश मिलकर हम मौलिक भारत की पुनः निर्माण हम लोग कर सकते हैं, ये मैं इस विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो आप सभी के जो भी सुझाव आएंगे, जिस भी प्रकार से आप लोग रोड मैप बनाएंगे, उन सभी कार्यों को जमीन पर उतारने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। यही संगठन मंत्री होने के नाते मेरा कार्य भी है और मेरा कर्तव्य भी है, और मैं आप सभी का, अनुज भाई का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इतने बड़े दायित्व के लिए मुझे चुना, और इस दायित्व में मैं सफल भी तभी हो सकता हूँ जब आप सभी लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। किरण जी, आपका काम बड़ा जबरदस्त रहा है, बड़ा समर्पण अपने देश के लिए आपका है, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आपके काम में सराहनीय है। जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वाली बात है कि आप 1.25 लाख के बराबर अकेले हमारे जीवन तिवारी एक हमारे साथ बड़े महत्वपूर्ण शख्स जुड़े हुए हैं, राजीव गर्ग जी पंजाब से हैं और हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति पर जबरदस्त काम कर रहे हैं। राजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव जी ने विक्रमादित्य जी के समय का जो हमारा हिंदू जीवन शैली दर्शन था, राज व्यवस्था थी, उस पर पूरा काम किया। उनके कई सारे हमने उनके लिए छापे हैं और इस बार के इशू में भी डायलॉग इंडिया में 10-12 पेज का कंटेंट डाला। इतना अभूतपूर्व, इतना मौलिक काम शायद किसी ने समय किया, वो हमने उनको राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख भी बनाया है। और राजीव जी से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने काम के बारे में भी और मौलिक भारत के आपके योजनाओं के बारे में थोड़ा सा हम सबको बताएं। आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी मुझे समय देने के लिए। अनुज जी से मेरा परिचय फेसबुक के माध्यम से हुआ और अनुज जी से मुझे अपना काम आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिली और प्रोत्साहन भी मिलता रहता है इनसे कभी कभी, क्योंकि मैं पंजाब के बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ और मुझे नहीं पता भी दिल्ली की संस्कृति कैसे है, यहाँ का लोकाचार कैसा है। जब मैं देखता हूँ भी सनातन धर्म को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं सारे विश्व में, तो हम देखते हैं कि आजकल आयुर्वेद, योग आदि से सनातन धर्म की पताका सारे विश्व में फैल रही है और इसमें भक्ति
जिसमें चाहे इस्कॉन हो चाहे और संस्थाएं, वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो इसमें एक हमें मुझे कमी दिखी कि हमारा जो अर्थशास्त्र के प्रति हमारा भारतीय दर्शन है उसका कहीं पे कोई नाम निशान भी नहीं है। ज़्यादातर हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कम्युनिज्म को अपोज करते करते कैपिटलिज्म को डिफेंड करने लगे होते हैं, जबकि मेरा मानना है जो कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म है दोनों एक ही हैं। दोनों की जो उद्देश्य है वो यह है कि चंद व्यक्तियों तक ही देश के संसाधन, राइट्स और सारी चीज़ें कुछ व्यक्तियों के नियंत्रण में हो जाए, जबकि सनातन संस्कृति और दर्शन बिल्कुल इसके विपरीत है। हमारे यहाँ तो जो हमारे देवी देवता हैं उनके पास भी एक के पास सारी पावर नहीं है। और मैंने सोचा भी इसके इस दिशा में हमें कुछ काम करने के लिए आगे आना चाहिए। जो हमारा अर्थशास्त्र का दर्शन है उसको हम कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि दुनिया ने कैपिटलिज्म का मॉडल भी देख लिया, कम्युनिज्म का मॉडल भी देख लिया, अब वो सनातन मॉडल को भी देखना चाहेगी, क्योंकि दोनों ही मॉडल में बहुत ही ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं भी लगातार जीडीपी इतनी बढ़ रही है देश की, फिर भी देश की आम जनता त्रस्त है, उसका क्या कारण है? क्या ये विकास की अवधारणा जो हमारे ऊपर थोपी गई है वो ठीक है भी या नहीं? यहाँ पर हमारे दिमाग में जो विकास की अवधारणा बिठाई गई है वो है अभी बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, सड़कें बन गई, बैंकिंग का विकास हो गया, इंश्योरेंस का विकास हो गया, इससे ही सारे आम लोगों की जनजीवन सही चलेगा, पर ये बात नहीं। हमारे यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही विकास मान लिया गया है। हमें कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के अल्टरनेटिव सनातन मॉडल पर बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें इसे स्वदेशी मॉडल या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मॉडल कह देते हैं, पर ये इससे भी बहुत बड़ी बात है। इसमें कृषि का मॉडल है जिसमें कि मिश्रित खेती है, स्टोरेज का मॉडल है जो सनातन मॉडल है उसमें है स्मॉल स्टोरेज, हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसका है, गवर्नेंस का मॉडल है। अभी कई बातें हुई भी समाज बिखर रहा है, समाज का निर्माण कैसे होता है उस पर मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। पहले समाज के निर्माण के लिए दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। एक तो जो जनसंख्या का स्तर है वो किसी भी शहर में, बड़े शहर में या छोटे शहर में 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, एक तो मैं चाहता हूँ कि मौलिक भारत का एक अपना यूट्यूब चैनल हो जिसमें हम इंटरव्यू वगैरह लोगों के साक्षात्कार वगैरह अपना प्रकार वो लें, ताकि जो आम, जो हमारा मौलिक भारत का कार्य है वो आम जनता तक पहुंच सके, यही मैं चाहता हूँ। ये मेरा सुझाव है मौलिक भारत के लिए। ठीक है, अरविंद मोदी जी हैं झारखंड से, रांची से। अरविंद जी, मौलिक भारत के सभी संचालक, केंद्रीय
संचालन समिति के सदस्यों का मेरा सादर प्रणाम। मैं जो अनु जी से फेसबुक के थ्रू ही जुड़ा हुआ था, बाद में फिर हम जो है निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो क्लास वन ग्रुप ए के पद जो है सहायक प्रोफेसर के लिए जो नियुक्ति हुई थी उसमें गड़बड़ी हुई थी, इसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा था। और बाद में डायलॉग इंडिया 5 जन ने आलू जी जो अभी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, उसके माध्यम से तो अच्छे से जुड़ा। फिर वो हमारे घर भी आए थे, मैं दिल्ली में भी एक प्रोग्राम था पवन सिन्हा जी के, उसमें भी शामिल हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो मौलिक भारत जो कर रही है जिसके बारे में सभी को मालूम है, और भी पिछले 1.5 साल से कोरोना काल की वजह से काफ़ी लोगों ने खोया है, जैसे मेरे पापा भी पिछले वर्ष दिवंगत हुए हैं, स्थितियाँ बहुत सामान्य स्थिति नहीं है। आज भी लोगों को डर बना हुआ है कि कहीं तीसरी लहर आएगी तो स्थिति क्या होगी, सो ये दूसरी लहर में भी काफ़ी जाने गई हैं। हमारा जो है सो मैं अभी PhD भी कर रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण पे मेरा थीसिस चल रहा है, थीसिस हमने सबमिट किया है, अवार्ड PhD अवार्ड आना हैवा होना बाकी है, और झारखंड सरकार में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हूँ, और कोरोना काल में इंसिडेंट कमांडर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। मौलिक भारत के साथ में एक जो डायलॉग इंडिया है जो मैगजीन निकलती है, उसमें एक अनुरोध होगा अनु जी से कि सरकार की जिसे 2014 के बाद जो सरकार आई है मोदी सरकार, वास्तव में असली राष्ट्र निर्माण का कार्य अब किया जा रहा है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो की जा रही है, हमारे सनातन परंपरा को फिर से जिंदा की जा रही है। पहले लोग जय श्री राम बोलते थे तो बहुत हिचकिचाते थे कि कोई दूसरे लोग तो नहीं है कि बुरा ना मान जाए, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि दूसरे धर्म वाले लोग को भी बोलना पड़ रहा है, जहाँ लोग मस्जिद रोज़ा और बाकी चीज़ों में भी शामिल होते थे, लेकिन आजकल उनका झुकाव दूसरे धर्म वालों को भी, दूसरे पार्टियों को भी, BJP के अलावे भी जो है सो हिंदू एक वोटर के रूप में आ गया, लेकिन वास्तव में हिंदू तो वोटर हैं ही, 80% पहले जो आज़ादी हुई थी तो उसमें 90% थी हमारी पॉपुलेशन, आज की 78% या 70% पॉपुलेशन है, वो भी कम, वही बहुत बड़ा तादाद है, और ये लोग अगर एक होंगे तो अपने जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति उसके अनुरूप ही भारत का निर्माण होगा, जो हमने कुछ ज़मीनें खोई है सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन वगैरह वो भी प्राप्त करेंगे धीरे धीरे। BJP गवर्नमेंट काम भी कर रही है राष्ट्र निर्माण के लिए। डायलॉग इंडिया में हम चाह रहे थे कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं जो चल आती हैं नई नई, उसका कम से कम 2 पेज का आर्टिकल हर बार छपे, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग उसका भी लाभ ले सकें। और उससे अमित जी ने एक चीज़ बताया कि हमारे जितने भी देवी देवता थे सबके अलग अलग अधिकार रहे हैं, तो उसमें भी ये कि चीज़ें उसके रूप जैसे जैसे सरकार पे हम लोग प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करें, जो चीज़ हमारे मौलिक भारत की जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को देते रहे, तो कम से कम सरकार भी उस पे रूप में करती भी है, संज्ञान भी लेती है और उसके रूप भी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू भी करेगी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार से। दूसरा में हर राज्य की एक अपना वेब पेज हो, फेसबुक में हो या ट्विटर पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी है ही, तो वो भी चीज़ें सो हमारे एक जसवंत राय चौधरी हैं सीकर टाइम्स में और डायलॉग इंडिया के भी रिपोर्टर हैं, उनके साथ भी गलत हुआ है, रातों रात उनके ऊपर FIR किया गया है, ये भी बहुत संज्ञान लिए हैं अनु जी, लेकिन ये बहुत मानसिकता पता चलता है कांग्रेस सरकार की, इसकी भी हम बहुत निंदा करते हैं। सुझाव दीजिए झारखंड में कैसे भी भारत का हो और क्या नहीं काम करें। झारखंड में हमने इस बार लगभग 4,000 पौधे
जो मैक्सिमम फलदार हैं वो लगाए हैं हमने, और चूंकि ये बहुत जनसंख्या को स्वच्छ भोजन या फल मिले और स्वच्छ हवा मिले इसके लिए बहुत जरूरी है, जीविकोपार्जन के रूप में लोग भी इसको ध्यान दें, इसके लिए भी हमने कार्य करना शुरू किया है। मौलिक भारत के कुछ चीज़ों का पहले रांची में एक सेंटर भी खोले थे इन्होंने, जो एक कोचिंग क्लास था, लेकिन पर्सन अगर एक ही पर्सन होते हैं तो उसके मल्टी वर्क करते हैं, मल्टी फंक्शन करते हैं, उस माध्यम से भी हो सकता था हमारे यहाँ ज़्यादा काम होता, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया। तो हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी, दायित्व दी जाएगी, वो चीज़ हम करेंगे। और ठीक है अरविंद जी, धन्यवाद। नजरीन जी जुड़ी हुई है चेन्नई से, नजरीन कृष्णमूर्ति जी, अजय सिंह जी, आप सुन रहे हैं मुझे? सर बिल्कुल सुन रहे हैं। हेलो अजय जी, नमस्कार। अजय जी शिक्षाविद भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, और बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारे स्तरों पर काम करते हैं, चुनाव सुधार के लिए बड़ा काम करते हैं। आपके लिखे हुए कई सारे लेख हमारे जो कार्य पुस्तिका है हमारी भारत की, उसमें भी सम्मिलित है, और अभी इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी के ही हमारे हेड भी हैं, बड़े विनम्र बड़े प्यारे आदमी हैं, तो उनसे सीखते रहते हैं। तो आपके सुझाव भी और आपके आगे क्या कार्य योजना है इस पर भी हम सुनना चाहेंगे। अनु जी धन्यवाद आपका, पहले तो इस सम्मान के लिए जो आपने परिचय दिया और अपनी टोली में शामिल किया। टोली में तो मैं आपकी शामिल हूँ बहुत दिनों से, पर नाम से शामिल अब हो गया हूँ ऑफिशियली। एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, दो तीन बातें मैं करना चाह रहा हूँ फटाफट, क्योंकि समय होता जा रहा है। जो कोरोना काल में जो विपत्तियाँ आई हैं अपने साथ समाज में, उसमें उसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत तरीके से हेल्प कर रही है, लेकिन एक चीज़ जो मेरे संज्ञान में आई है, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ महोदय, कि जो मुस्लिम और जो दूसरे क्रिश्चियंस और इन लोगों के यहाँ जो डेथ हुई है, उनके लिए उनके समाज ने बहुत काम किया है और तुरंत इमीडिएट हेल्प दी है, नॉट ओनली फाइनेंशियल हेल्प बल्कि दूसरी तरीके की भी हेल्प दी है। हिंदू समाज के लिए संघ काम कर रहा है और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि संघ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी योजनाएँ लेता है और वो अपने धीरे धीरे काम करता है, तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिंदू परिवार हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने पास सूचना आ जाए और उस सूचना के हिसाब से हम सही लोगों तक उस सूचना को पहुंचा दें और उसमें उनको कुछ जो जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को कुछ मदद मिल जाए, एक मैं ये ग्राउंड वर्क है जो मैं चाहता हूँ कि मौलिक भारत इसको अपने हाथ में ले। दूसरी बात यह है कि जो सरकार की बात आई, मोदी जी की सरकार बन गई, 7 साल हो गए और बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब एजुकेशन पॉलिसी आ गई, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन तो विषयवार उनको जो है हम लोग टैकल कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर थोड़ा सोचना चाहिए, और इसके ऊपर जो लेख लिखना या कोई और मीटिंग करना या कुछ इस तरीके का है तो वो भी हम लोग इसको कर सकते हैं विषय वाइज। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब हम लोग 75वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं अपने आज़ादी के, तो 75वें वर्ष का एक विशेष महत्व है और सरकार के स्तर पर इस पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मौलिक भारत को और डायलॉग इंडिया को, दोनों को, मेरा डायलॉग इंडिया के लिए तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें क्या ये संभव हो सकता है कि अगस्त से अगले अगस्त तक 12 इश्यूज़ में जो देश की तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक डेडिकेटेड टू दी दिस प्रोग्राम इंडिया एट द रेट 75 ईयर्स, और 12 हम लोग ऐसे मुद्दे उठाएं जो एक एक मुद्दा हम लोग लेके चलें, तो एक तो मैं इसमें ये चाह रहा था कि ये अगर हो सकता है संभव तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो क्या है कि पॉलिसी बन जाती है, पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, पार्टली इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, और उनका एक एक जो समालोचना है वो करना थोड़ा सा सरकार की निगाह में आए, तो ये मैं सोच रहा था कि अगर कुछ इस तरीके का हो जाए तो इसमें मैं कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ, और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और जो आपने इलेक्शन रिफॉर्म की बात करी, तो हाँ जी आपने इस
ठीक है सर, आगे नहीं मैडम कुछ बोल रही है मैडम, हाँ बताइए मैडम। सर नमस्कार, मैं ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। एक विशेष बात जो मैं इलेक्शन के संबंध में कहना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अनुज जी इलेक्शन में इलेक्शन आने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा जाके पंजाब में बिजली फ्री दे दूंगा और पानी फ्री दे दूंगा करना शुरू कर दिया है। मेरा किसी मतलब इसको बिना किसी पार्टी के उसके करे हुए मतलब पार्टी को रेफरेंस दिए हुए मैं एक चीज़ ये करना चाहता हूँ कि जो लोग जो भी पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट देती हैं जिनकी बेसिस पर जिन पर विश्वास करके हम उनको वोट देते हैं उनका एनुअल एक रिव्यू हो कि भाई आपने क्या क्या कहा था और क्या क्या चीज़ें कर दी हैं और अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी, क्या कठिनाई आ रही है और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम कैसे सहयोग करें या दूसरे लोग कैसे सहयोग करें, क्योंकि ये एक फॉल्स प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि हम ये कर देंगे और उसके बाद पता चला कुछ नहीं हुआ, अगली बार फिर आप एक नया इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आ गए और हम लोग रेगुलर के रेगुलर हर बार वही जो कहते हैं ना कि वो उन्होंने अपना झुंझुना हिलाया और हम लोग उनके झुंझुने में के हिसाब से करते गए। तो मेरे हिसाब से मैनिफेस्टो रिव्यू करने का एक पूरा प्रोसेस बनना चाहिए, वो चाहे मौलिक भारत की तरफ से हो चाहे इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ करके हो और उसमें समाज के 25-50 लोग अपना रहें और सारी पार्टियों के इलेक्शन के जो मैनिफेस्टोज हैं उनको रिव्यू करें साल साल भर पर उनको जो है वो रिपोर्ट दें उसकी। जैसे ADR वगैरह काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ADR वाले, तो मुझे लग रहा है ये एक उसमें सप्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप जो कहते हैं ना वो आप हर एक को मूर्ख हमेशा नहीं बना सकते, पर हमें लगता है ये हमेशा 75 साल से मूर्ख बना रहे हैं, बहुत सारी बातें कह देते हैं फिर कुछ नहीं करते, तो ये जो सिचुएशन है ये चेंज होनी चाहिए। अभी मेरे मन में ये एक बड़ा वो है, इसको मैं आपके डायलॉग इंडिया के माध्यम से भी और अदरवाइज दूसरे फोरम पर भी मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ और उसमें चाहे वो भाजपा का मत पत्र हो तो वो इलेक्शन मैनिफेस्टो हो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जो कह रहे हो यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स एंड बेस्ड ऑन विच यू गॉट द वोट व्हाई यू हैव नॉट फुलफिल्ड इट एंड हाउ लॉन्ग यू विल नॉट फुलफिल इट, तो मैं चाहे ये बातें आपसे एक साथ सबमिट करना चाह रहा था। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपके साथ बिल्कुल Nazreen, are you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. Please introduce yourself and say something about your work and your suggestion for Polypark. Yes, see, from... We are not able to see you. Okay. We are working. We just got the draft ready and getting some legal, the IPC sections, and the complaint is going to be made shortly. Mr. Selvaraj, who is the general secretary of the of another association, Federation of Anti-Corruption Teams, and Mr. Balasubramaniam, Voice of Indian Trust, they're together working along with us, and we are going ahead on filing the complaint against one so-called super celebrity who's done the Tamil, Telugu and Malayalam movie, and then the Central Board of Film Notification, the local manager here. So the private complaint will be done, and then we've got a lot of RTIs from the CBFC and from the income tax authorities, from the prison department. A lot of work has been done over the last couple of years. So I think now it's developed, it's coming to a close now, and that's one part of it which is being done. And I'm pushing for the black money issue. You see, unless we push for the black, we want to know where is all the money. 2021 right up to 1940, 8 years of scam money, where is all that money gone? So we have a strong suspicion it may go into the cinema industry. So from there on, we'll look into the smuggling of diamonds, because diamond smuggling is another very, very big issue. So once we start this, we are going into that. And then we're going to connect it to the pharmaceutical mafia. Connected with this, corona, where there's people are being terrorized of forced vaccinations. They're forcing people to wear masks and terrorizing them, and they have to advise them actually what to do. And also the lockdown, the people are suffering too much. So all these issues are being taken up.
And Maulik Bharat, of course, the minute you send it to me, is being forwarded to everyone to register online membership and membership. So that's the work being done. Yeah, thanks. Thank you. That's about it. Thank you. I've finished. Yes, thanks. Thank you. सोशल मीडिया सेल उसके नेशनल कन्वीनर भी हैं, आईटी कंपनी के मालिक भी हैं, कई सारे गेस्ट हाउसेस भी चलाते हैं और बहुत राष्ट्रभक्ति भी हैं और बहुत जबरदस्त सामाजिक नोयडा की सक्रिय हर मुंबई में देश के समाज के खड़े रहने वाले ऐसे नेता हैं। हमने फॉर्मली अभी जोड़ा है और जितना हम काम करके आगे जा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत है। सारे लोग रजिस्ट्रेशन है, उसमें यही कि हम सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हों, यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव हों, हम अपनी विजिबिलिटी और विजन को हर लेवल तक पहुँचाएँ। भारतीय जी, आपकी बड़ी भूमिका है, आप अपनी भूमिका के क्या 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 अपेक्षा रखें, क्या क्या आपकी अपेक्षा प्रकाश करें। First of all, myself Bharatindu Sharma and good afternoon everyone. वैसे अनुज जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है कि मैं कैसे जुड़ा हूँ। अभी recently I have joined, I am associated with Maulik Bharat and अनुज जी से मेरे काफ़ी पुराने रिलेशन हैं, करीब 10 साल 15 साल के आसपास से अनुज जी से हैं। और अभी मुझे जो राष्ट्रीय प्रभारी आईटी और सोशल मीडिया सेल के लिए एसोसिएशन किया है, मैं हुआ है, मैं मौलिक भारत से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि मौलिक भारत ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैंने फ्रॉम द लास्ट अराउंड 6 years or 7 years आई हैव सीन। जैसे हमारे नोएडा में DND का हुआ था, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और लोगों ने लिया, लेकिन फिर भी उसमें मौलिक भारत की 100% कंट्रीब्यूशन था कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें थी। मैं ऑलरेडी अभी मैं काफ़ी लोगों से यहाँ पर एसोसिएटेड हूँ, काफ़ी संस्थाओं से भी एसोसिएटेड हूँ और ये मेरा पैशन है कि मैं सामाजिक कामों में जुड़ने की कोशिश करता हूँ, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइमिंग्स, बिकॉज आई एम एन IT प्रोफेशनल, तो समटाइम्स ये मेरी एक प्रॉब्लम है। बट स्टिल आई लव एंड लाइक मौलिक भारत कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना परिचय जो अनुज जी ने दिया है, तो मैं एक चाहूँगा कि यदि हम, क्योंकि कम्युनिकेशन, इफ आवर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव देन वी कैन कन्वे अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द अदर्स एंड वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अदर्स एंड दैट इज द बेसिक ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड आवर एसोसिएशन। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा कि एक टीवी चैनल के लिए भी हम सोचें, क्योंकि जो टीवी चैनल्स हैं, वैसे हमारे पास जैसा भी काफ़ी अनुभवी लोग जो थे, जो सामाजिक बुद्धिजीवी लोग जिनको बोलते हैं, सभी लोगों के मैंने सब चीज़ें सुनी, लेकिन क्योंकि मैं कम्युनिकेशन पे इफेक्टिव के लिए ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि मौलिक भारत जो कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास वो जाग नहीं रहा है या और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा एक सुझाव है कि यदि हम मौलिक भारत, एक बड़ा सुंदर नाम है और काफ़ी अच्छे लोग जो मैंने अभी देखे सुना, सभी के विचार सुने, तो हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत है, उसको कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कैसे लोगों के से जोड़ा जाए, उसके लिए ज़रूरत है। तो मैं एक टीवी चैनल के लिए एक प्रपोजल रखना, एक सजेशन देना चाहता हूँ, यदि इस पर जो का सभी लोग टीवी चैनल के लिए सोचा जाए, तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनिशियली वी कैन स्टार्ट ओनली फॉर दिल्ली एंड NCR। तो एक तो मेरा ये सजेशन है, और वाट एवर चीज से मुझे मालूम है कि अनुज जी का जो मैं लेख पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स जो मैं पढ़ता हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैंने देखा है जब जब भी अनुज जी ने कुछ आर्टिकल्स लिखे, तो कुछ दिन के बाद उन आर्टिकल्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ मैंने सुना है, और वो इत्तफाक है या इतना इफेक्टिव है, कुछ आर्टिकल्स इतने इफेक्टिव होते हैं कि जब वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो आर्टिकल फोर्स द गवर्नमेंट रीथिंक ऑन दैट एंड टू इम्प्लीमेंट ऑन। तो ऐसे ऐसे हम एक टीवी चैनल की बात करें और सोशल मीडिया, तो हमारा काफ़ी, जैसा हमारा यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब चैनल पर काम हो रहा है, मुझे अच्छा लगा कि यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड इवन नाउअडेज वी कैन स्टार्ट अवर कम्युनिकेशन ऑन ओवरसीज मार्केट ऑल्सो, बिकॉज द NCA जो NRI पीपल आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन
द देशभक्ति के लोगों से जुड़ना चाहते हैं. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यही मेरा एक है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं एंड वॉट एवर द वेरी इफेक्टिव पीपल्स आर ऑलरेडी सीटिंग इन द पैनल दे विल सजेस्ट एंड दे विल एडवाइज. सो आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट माई स्किल वॉट एवर आई हैव बिकॉज अभी हम लोग IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी काम करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. So, however, this technology can be useful for the Maulik Bharat, for the Dialogue India. So, इन चीजों पर हम काम कर सकते हैं. और वैसे today I was interested to meet face to face in the office of Mr. Anuj Agarwal, but unfortunately due to some unavoidable some circumstances I could not join. And यही मेरा suggestion है और मैं चाहूँगा कि यदि हम face to face या ऐसे हम कुछ meetings करते रहें तो शायद मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा. क्योंकि सबसे कम नॉलेज मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन और मैं काफ़ी सजेशंस भी दिए हैं. जैसे मैंने एक सजेशंस दिया था कि मैं गौशाला से भी जुड़ा हूँ, यहाँ की नोएडा की जो सबसे बड़ी गौशाला है. मैंने उसको बोला कि भाई आप इसका कमर्शियलाइजेशन कीजिए गौशाला, क्योंकि डंग एंड द यूरिन वी कैन यूज इन ए नंबर ऑफ प्लेसेस. तो इस तरह के सजेशंस हम देते रहते हैं, काफ़ी जुड़े हैं. तो मेरी मैं सभी से काफ़ी कुछ सीखना है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अनुज जी को भी कि मैं इस नई कमेटी में मैं एसोसिएट हुआ हूँ. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई फुल 100% सो वी कैन अचीव वॉट एवर वी हैव इन आवर आइडियाज रिलेटेड टू द देशभक्ति. मैं RSS से भी जुड़ा हुआ हूँ और जनरली आई हैव स्पेंड माई अराउंड 15 ईयर्स इन ओवरसीज. So I have a lot of ideas how can we achieve our targets. So I will like to be the part of the strategic team also, and how can we make the standard of procedures and the implementation of that. That is my opinion right now, whatever I have learned in this from the last 1.5 hours from the everyone, and whatever the responsibility Mr. Anuj and Mr. the Maulik Bharat will give me, I will try my best with the 100%. Thank you everyone. यहाँ पर जितने भी हमारे उपस्थित मित्र मौलिक भारत संचालन समिति के सदस्य बैठे हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून. अनु जी हमारे पुराने मित्रों में से एक रहे हैं और हम लोग हमेशा सामाजिक बिंदुओं पर, गतिविधियों पर चर्चा आपस में करते रहे हैं. मैं 96 में बिहार के एक छोटे से जिले सासाराम से हूं और 96 में भूलते भटकते दिल्ली आगमन हुआ मेरा. काफ़ी झंझावतों से बिहार में भी मैं 88 में ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा रहा, खास करके संस्कृत शिक्षा जो बोर्ड बिहार का था उसमें मैं एक विद्यालय संचालन कर रहा था और बिहार प्रदेश संस्कृत शिक्षक महासंघ का उस समय मैं संगठन सचिव हुआ करता था 90 से 95 वाले दौर में. किसी कारणवश मेरा दिल्ली आना हुआ और दिल्ली आने के बाद में कुछ सालों तक मैंने मार्केट रिसर्च और कई एजेंसियों में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी मार्केटिंग से और अन्य जगहों पर काम किया. लेकिन हमेशा एक समाज में बदलाव कैसे आए, क्या हम समाज के लिए कर सकते हैं, ये मन में चलते रहता था. और उसी दरमियान हमने 2004 में एक सामाजिक संगठन का गठन किया दीप के नाम से और उसको लेकर आगे मैं बढ़ा.
तो उस समय हमारे पास जब हम 2005 और 6 के दौर में गुजरे तो उस समय काफ़ी टाइफाइड और हेपेटाइटिस वगैरह का मामला चल रहा था, जिस पर हमने पूरी दिल्ली में अवेयरनेस शुरू किया बिहार और झारखंड के सुदूर इलाकों में। उसके बाद झारखंड उस समय नक्सल का बहुत बड़ा प्रभाव था और उसमें खास करके बच्चे बहुत ज़्यादा आहत हो तो मेरा सामाजिक जीवन 2005 के आसपास, ऐसे तो मैं सामाजिक जीवन में छात्र जीवन से ही रहा हूँ, लेकिन सोशल सेक्टर में मैं 2005 में मेरा प्रवेश हुआ और ख़ास करके मैं कन्या भ्रूण हत्या और बालिका शिक्षा को लेकर के कार्य करना दिल्ली और दिल्ली के आसपास में, हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, इन जिलों में मैंने शुरू किया। इसके बाद में यूपी के कुछ हिस्सों में एक कार्य रहा मेरा। फिर मैं राइट टू एजुकेशन फोरम, जो जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ उसके बाद राइट टू एजुकेशन फोरम का गठन हुआ, उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा। आज हमारे जो नेशनल कन्वेनर थे 24 अप्रैल को अमरीश राय जी का कोरोना काल में देहांत हो गया, जो हम लोग के लिए काफ़ी, जो राइट टू एजुकेशन पर काम करने वाला जितने भी सिपाही थे, सिपाही को सेनापति थे, काफ़ी एक क्षति वाली बात है, क्योंकि अमरीश जी ने राइट टू एजुकेशन को देश के हर जिले में संगठन को पहुंचाया था और राइट टू एजुकेशन पर काम करने वाले योद्धाओं को खड़ा किया था, जो पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन और सबके लिए शिक्षा के लिए लड़ रहे थे लोग। आज मैं मौलिक भारत के मन से और मौलिक भारत को सुझाव देना चाहूँगा कि ये कोरोना काल में जब से हमारी स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई है, ऑनलाइन शिक्षा हुई है, और ऑनलाइन शिक्षा का जो पहुँच है मात्र 20-25% लोगों के पास है, 75% लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारा गरीब और परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार भी उसमें शायद हो सकता है, लड़कियों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही क्योंकि घर में एक या दो मोबाइल होता है, पेरेंट्स लेकर के चले जाते हैं, लड़कियां का विद्यालय या शिक्षा से लगाव जो है ख़त्म हो रहा है, वो टूट रहा है, और ड्रॉप आउट्स रेट उनमें काफ़ी, इधर आंकड़े भी आए हैं, करीब 3-4 लाख के आसपास लड़कियां भी ड्रॉप आउट्स हुई हैं। अब उनके साथ समस्या है कि लड़के तो एक बार ड्रॉप आउट्स होने के बाद में पुनः मुख्य धारा में आ जाएंगे, लेकिन लड़कियों के साथ हैं कि पेरेंट्स उनकी शादी कर देते हैं उसी उम्र में, शादी करने की उम्र भी नहीं है अभी, या 10 या 12 कक्षा में हैं, 1-2 साल उनकी पढ़ाई बाधित हुई, उसके बाद शादी कर दिया, तो उनकी शिक्षा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस पर एक विचार विमर्श और चिंतन करने की ज़रूरत है कि उन लड़कियों को कैसे समाज के मुख्य धारा में शिक्षा के जोड़ा जाए। दूसरा, इस कोरोना काल में खास करके, ऐसे तो माना जाए जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ 90 के बाद से, और इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी हैं, इसके कुछ लोगों को जॉब भी मिला, लेकिन जो असमानताएं धीरे धीरे बढ़ते गई समाज में, ये असमानताओं को कैसे दूर किया जाए, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, पूंजी बहुत कम लोगों के हाथ में है, आके सिमट गई है, बाकी लोग मजदूर होते जा रहे हैं, इस पर एक विचार करने की, एक पहल करने की ज़रूरत है कि समाज में एक समरसता काम हो, समावेशी विकास हो। सरकार को इस पर हम क्या सुझाव दें कि ज़मीन पर जो आदमी है, नीचे का आदमी है, वो भूख से न मरे कम से कम। तो इन कुछ चीज़ों पर विचार, गहन विचार करने की ज़रूरत है। एक समरस समाज का हम निर्माण कैसे कर सके, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। एक विकास जो हमारा हो, समावेशी विकास कैसे हो, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इन मुख्य चीज़ों पर कभी हम सब गंभीरता से बैठ करके एक बिंदुओं पर, तो देखिए जो सरकारें हमारे यहाँ 47 के बाद 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आज की तारीख में, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और सब अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनको अपने मैनोफेस्टो से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने, भाई साहब ने
एक भाई साहब ने सुझाव दिया था कि इसका रिव्यू हो, तो ये अच्छी पहल होगी कि इनसे सवाल किया जाए इनके मैनिफेस्टो को लेकर, चाहे पार्टी कोई भी हो। ये राजनीतिक दुकानदारी आखिर जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे, अपना सामान कब तक बेचते रहेंगे, चाहे कोई जात के नाम पर बेचे, कोई धर्म के नाम पर बेचे, चाहे किसी भी तरह बेचे, लेकिन कब तक बेचते रहेंगे। हम एक नागरिक हैं, एक नागरिक का हम कर्तव्य कैसे निभाए, हमारा यही हमेशा थॉट रहता है, लोगों से विनय रहता है कि हम पहले एक नागरिक बन लें, उसके बाद हम किसी पार्टी का पक्षकार बन लेंगे। पहले हम भारत का सच्चा नागरिक बन करके नागरिक धर्म का अगर निर्वहन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। इससे बड़ा और कोई सेवा नहीं होगा कि हम नागरिक ही नहीं बन पा रहे हैं इस देश में। या तो हम स्वर्ण बन जा रहे हैं, या पिछड़ा बन जा रहे हैं, या हरिजन बन जा रहे हैं, या हिंदू बन जा रहे हैं, या मुसलमान बन जा रहे हैं, पता नहीं कितने हम भारतीय बन ही नहीं पा रहे। भारतीयता हमारे अंदर आ ही नहीं रही, जबकि हमें ज़रूरत है कि हम भारतीय बन जाए इस देश के विकास के लिए। देश का विकास जब होगा कि जब हर आम का विकास होगा, खास के विकास से तो हमें नहीं लग रहा है कि देश का विकास होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको पुनः एक बार नमस्कार। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद अनुज जी का कि इन्होंने मुझे इस मौलिक भारत के एक्सटेंशन काउंटर में शामिल कर दिया है, विस्तारित पटल जिसको कहते हैं। और इतना सारा सुन रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं देर से आया और देर से मैं आता नहीं हूँ, मतलब वो मैं देर करता नहीं, हो जाती है। हुआ क्या है कि वो हमारे घर के बगल में कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस ने रास्ता रोक दिया है, तो मेट्रो स्टेशन पर ही आने में 1.5 घंटे लग गए। अब ये स्थिति हो गई, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी। अब गर्मी इतनी है कि पैदल चलने की हिम्मत नहीं थी, आटम बैठ गए थे तो और आने में बड़ी देर हो गई है। और मुझे भी कोरोना का संकट झेलना पड़ा था, तो तब से थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं भीग गया हूँ लगता है। बहुत सारे सुझाव सुना और सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा, किसी बहाने बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं बहुत दिनों से मिल नहीं पाया हूँ, जैसे ही इंटर किया तो अमित त्यागी जी सुन रहे होंगे मुझे, मैं उनको बोलते हुए सुन रहा था, उन्होंने मुझे शायद न देखा हो, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और अनुज जी का तो खास तौर पर कि उन्होंने बुलाया और अमित जी से मिले, और अजय सिंह जी, उनसे हमारा वादा था कि हम लोग मिलेंगे और मिलना था हमें अप्रैल मई में, तो अजय जी अभी लगता है लखनऊ से लौटे नहीं हैं। हम लोग मिले थे एकल भारत के, एकल विद्यालय के कार्यक्रम में। यहाँ बहुत सारे सुझाव आए हैं और अभी क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, बोल के गए अजय जी बोल के गए कि जो समावेशी विकास की बात होती है ये विश्व बैंक ने भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये स्वीकार कर लिया गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होना है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है, मैं सुझाव देने की भी स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौलिक भारत कैसे कैसे काम कर रहा है, मैं पहली बार सदस्य बना हूँ, लेकिन मैं इस पर एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा। और सिर्फ इसलिए कि वो जो मेंथोस की गोली का विज्ञापन आता था ना कि दिमाग की बत्ती जला दे, उसके लिए अभी पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं, जिस हमने लोकतंत्र को अपनाया है, वो भी हमारा अपना लोकतंत्र नहीं है, ये पश्चिम का आयातित लोकतंत्र है। हमने जो अर्थव्यवस्था अपनाई है ये भी हमारी अपनी नहीं है। और एक चीज़ बड़ी मार्के की है, ये बड़ा कटु सत्य है, हम 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई वो, लेकिन हम जिस विश्व व्यवस्था में हैं वो बदलना इतना आसान नहीं है। हम भारतोन्मुखी नहीं हो सकते इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम, या बल्कि पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संचालित होती हैं। और आप सबों को याद दिलाना चाहूँगा, हो सकता है आप सब जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना 1945 के बाद हुई थी। और आप याद कीजिए, उस समय भारत के 5 डायरेक्टर होते थे, भारत की बड़ी हिस्सेदारी थी अमेरिका के और ब्रिटेन के बाद, लेकिन अब वो हिस्सेदारी घट गई है। क्यों घटी है? क्योंकि भारत को अपनी मुद्रा का 2-2 बार अवमूल्यन करना पड़ा था, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के राज में हुआ था और दूसरी बार मजबूरी में 1991 में नरसिंह राव को, जब आर्थिक उदारीकरण का सुधार जो लागू करना शुरू किया था तो लगभग 21% मुद्रा का अवमूल्यन किया था, तो भारत की हिस्सेदारी घट गई। तो जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक कहने के लिए लोकतांत्रिक है,
लेकिन उस पर अमेरिका का वर्चस्व है और अमेरिकी सोच वाली ताकतों का वर्चस्व है, तो ऐसे में वो लाख कहें कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, वो होना नहीं है। वो हमेशा आप देखेंगे कि जो भी वो नियम कानून कायदे बनाते हैं, और हमारी भी सरकार चाहे कितनी भी भारत उन्मुखी हो, उससे वो दब के काम करना पड़ता है, उसमें झुकना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मानना पड़ता है। तो थोड़ा हमें इस ओर देखना पड़ेगा। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, चूँकि बात वो छोड़ के गए थे, कि अनुज जी इस पर बार बार हथौड़ी मारते रहते हैं, खासतौर पर डायलॉग इंडिया के जरिए मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों पर हथौड़ा मारते हैं, हैमर मारते हैं और झन्नाटेदार आवाज़ निकलती है। मुझे लगता है कि मौलिक भारत को इस विषय में भी बड़ी गहराई से काम करना होगा, और हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, हम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन विचार दे सकते हैं कि किस तरह से इस मकड़ जाल से हम निकल सकते हैं, और ये तब संभव होगा। आप बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र में, मेरा सौभाग्य है मैं दिल्ली में 27 साल रहते हुए हो गया, लेकिन मैं कभी मुखर्जी नगर में इस तरह नहीं बैठा हूँ, पहली बार बैठा हूँ 27 साल में, और पहली बार इसीलिए जानबूझ के मैं थोड़ा इस तरह से आ रहा था ये बैटरी रिक्शा से, कि थोड़ा देखते चलूं। कई बार मैं पैदल चलता हूं देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो दिमाग में ज़्यादा रजिस्टर होती हैं। अब मेट्रो कार वगैरह से आज आया भी हूँगा, जाता भी रहूँगा, एक दो बार आया हूँ उनके घर बोलने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं तो कार वार भेज देते हैं, तो हमको लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि हम विद्या के केंद्र में बैठे हैं, मौलिक भारत है, इतना बढ़िया सेटअप है, और इनके पास विचार है, आधार है, हम लोग इस सहयोग कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम करें। और दूसरा एक मेरा छोटा सा सुझाव है, कोरोना काल में बड़ा हम लोग गुण गा रहे हैं, हम जिस तकनीक के गुण गा रहे हैं, तो ये गुण कहाँ गाते हैं हम, जब दिल्ली मुंबई या बहुत से बहुत बलिया जैसी जगह पर बैठे होते हैं, लेकिन मेरा गांव जब जहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे छत के दो मंजिला छत के ऊपर से जाकर कभी बात करना पड़ता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि हमने अपने स्कूलों में पढ़ा दिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे किसी कांग्रेस की सरकार हो, वो दावा सिर्फ और सिर्फ हम जैसे पत्रकारों को दिखाने के लिए जो दिल्ली में कल लखनऊ में बैठे हुए हैं वो दिखाने के लिए होता है। आप देखे होंगे हर राज्य सरकार किसान का हित करती है, उसका विज्ञापन कहाँ लगाती है, एयरपोर्ट पर। हमको आज तक ये बात समझ में नहीं आया है कि किसान हित आपने किया तो एयरपोर्ट पर क्यों लगाते हैं मेरे को, और सारी सरकार। तो मैं वो जो कह रहा था ना कि हम भारत उन्मुखी जिसकी भारतीय जनता पार्टी करते हैं, आप देख लीजिए योगी जी की बड़ी प्रशंसा हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके भी पोस्टर लगे हुए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, मुंबई की मेट्रो में लगे हुए हैं। मतलब ये समझने की बात है कि आपने उत्तर प्रदेश में भलाई की है, मुंबई के मेट्रो वालों को पता है, उत्तर प्रदेश वालों को कम पता है। तो ये क्या है कि ये जो मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल में चाहे अनचाहे वजह से हमको झुकना घुसना पड़ता है, बंधना पड़ता है। इस मकड़ जाल को तोड़ने के लिए वैचारिक आधार हो, और दूसरा जो वो बच्चे जो दूर दराज के इलाके के हैं, अगर हम पांच ही को मदद कर पाएँ तो हमको वो मदद करना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब देख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट सोकल्ड आ रहा है उस, और जिस तरह से एक एलोपैथी और फार्मेसी का एक कॉम्बिनेशन है जिसको वो भी एक मकड़ जाल है, को जानबूझ के कह रहा है कि अब तीसरी लहर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और दवाएं वाएँ जो भी है सो बड़ी लंबी बातचीत है। तो हाँ, तो वो एक कोशिश हो रही है, तो जाहिर है कि उसमें फिर शिक्षा प्रभावित होगी। हालांकि देखेंगे कि स्कूलों के दबाव में एक बहुत बड़ा दबाव ग्रुप काम कर रहा है, और डायरेक्टर और साइंटिस्ट भी बोलने लगे हैं कि बच्चों पर असर नहीं पड़ रहा है इसलिए उनके स्कूल खोल दिए गए, ये एक विचार आ गया है। तो ये विचार अब बढ़ेगा, लेकिन बाय द वे जिस तरह से अगर मान लीजिए कि महामारी ने विगत में रूप दिखाया है, तो उसमें जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनकी शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है, मुझे लगता है कि मौलिक भारत अगर अपने सीमित संसाधनों से ही प्रयास शुरू कर सके और उसमें कुछ मदद कर सके तो ये जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा काम होगा। इसको कैसे करना है हम सबको विचार करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे विचार आए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सीखने की प्रक्रिया में हूँ। पत्रकारिता में हमको बोलते हैं ना कि एक शावक पत्रकार होता है, आज से 25-30 साल पहले जब मैं था तो मैं उसी भूमिका में अभी मौलिक भारत में हूँ, और इस शावक को भी अगर आपने इतना मौका दे दिया, इतना गंभीरता से आपने सुना है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे देखिए शावक जो है शेर निकला हमारे साथ बड़े वरिष्ठ हमारे बड़े भाई शेतन जी हैं, मतलब अगर कहा जाए दिल्ली एनसीआर के सामाजिक जीवन की आत्मा है, और इतने अच्छा इतना मतलब
विराट व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों का होता है। जितने भी बड़े संस्थाएं काम करें सबके हेड हैं, समझे ना। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अभी फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और ये तो मुझे बड़ी झिझक हुई थी जब मैंने भाई साहब से कहा कि आप मौलिक बात से जुड़े हैं, हम आपको ट्रस्ट में चाहते हैं, तो बड़ी बोले जैसा आप कहें तो मुझे लगा ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मुझे मेरी अपेक्षाओं से ज़्यादा है। और हम तो आगे धीरे धीरे आपकी और भूमिका बड़ी करना चाहेंगे, कि मुझे लगा पहले हम आपको जोड़ें, कम से कम काम तो आप देख ही रहे लगातार, तो थोड़ा सा हमारे लिए मार्गदर्शन की मार्गदर्शक के रूप में भी। हाँ, यस आप सबको नमस्कार। मैं मौलिक भारत विश्वविद्यालय का बिल्कुल नया छात्र हूँ, मेरा आज पहला दिन है, आप मेरे साथ रैगिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आज सुझाव देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो मौलिक भारत में जब पहला दिन जो विद्यार्थी आता है कॉलेज में डरता रहता है कहीं से हमला होगा दाएं से बाएं से, तो मैं उस स्थिति में हूँ। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं कि मेरे जैसे को भी चुपचाप आप सुन रहे हैं और झेल रहे हैं। मेरा परिचय जो दिया, मैं भिवानी का हूँ, मूलतः हरियाणा का हूँ, और दिल्ली में जितने भिवानी वाले हैं 2000 के करीब परिवार जुड़ चुके हैं और 8000 और हैं, उनमें से केजरीवाल भी है, वो भी मेरे गांव का है। मैं केजरीवाल के गांव का ही हूँ, इधर देखना पड़ेगा। ओके, ये कोविड में भी सीखना पड़ेगा कैसे हाउ टू यूज़ मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी। हम तो गांव के लोग, हमें तो ज़्यादा आता नहीं है। मेरे विचार से आपको कहना चाहिए केजरीवाल हमारे गांव। हाँ, वही मैं वही बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ केवल। मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ एक प्रिंसिपल है मार्केटिंग का, वो पूरे दुनिया की मार्केटिंग उमेश जी तीन बातों पर टिकी है। पहली है जो दिखता है वो बिकता है, दूसरा सिद्धांत है हरकत में बरकत है, और तीसरा सिद्धांत है मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। मौलिक भारत को चाहे बिजनेस करो या मार्केटिंग करो या सामाजिक संस्थाएं चलाओ, मैं भी चार संस्थाओं का संस्थापक हूँ, इसी सिद्धांत पर होना चाहिए सारा काम। और कोविड में भिवानी परिवार मैत्री संघ ने 61 दिन तक लगातार वेबिनार किया, हजारों लोग जुड़ गए, जो दिखता है सो बिकता है। मैं इतने योग्य लोग मिले मैं बता नहीं सकता आपको। तो मौलिक भारत को पहला काम ये करना पड़ेगा, जो दिखता है सो बिकता है, हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए हर जगह। वो कैसे हो सकती है उसको विचार करना चाहिए, सोशल मीडिया में भी होनी चाहिए, फिजिकल भी प्रेजेंस होनी चाहिए, वो उसको बढ़ाया जाए पहला काम। दूसरा हरकत में बरकत है, हम किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए, उसमें एक सिपाही के रूप में मेरी भूमिका जो भी आप तय करोगे मैं आपके साथ हूँ। और तीसरा जो सिद्धांत है मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती, सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे और मिलते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी से ये संभव हो गया, सारा भारत देखो आपके सामने जुड़ गया है, ये कोविड से पहले संभव था क्या? उससे फ़ायदा हुआ कोविड से, आज पूरा भारत हम एक कमरे में बैठकर चेन्नई वालों से भी बात कर रहे हैं और लखनऊ वालों से भी बात कर रहे हैं, सारे भारत से बात कर रहे हैं, तो बड़ी बात है ये। तो इसमें क्या लगता है, ये तो हम करते रहें, कौन सा गूगल मीट पे पैसा लगता है, फ्री मिलता है, करते रहें इस मीटिंग को, इसमें अच्छा लगता है। एक सुझाव है केवल मेरा आज़ादी के, वैसे तो बहुत सारे सुझाव आ गए, बहुत सारे काम, हमको अपने साधन अपनी शक्ति को पहले देखना पड़ेगा। सुझाव तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं तो बनिए का बेटा हूँ, जितने पूंजी है उतना ही काम होता है, हमारे यहाँ तो इसे कहा है हम लोगों को, तो जितनी हमारी औकात है जितनी चादर उतने पाँव पसारो। सुझाव तो बहुत बड़े 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 आ गए, पर हमारा सुझाव तो तब काम आएगा जब हमारे पास उतना साधन संसाधन हो। तो संसाधनों के हिसाब से मेरा एक सुझाव है विनम्र, कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव है और 75 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक तय करें आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव 75वें वर्ष में मौलिक भारत 75 काम करेगा, वेबिनार करेंगे, सेमिनार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, सारे भारत में 75 कार्यक्रमों की संरचना हम बना लें, मेरा सुझाव है। हम
वेबिनार भी हो सकते हैं, सेमिनार भी हो सकते हैं, वृक्षारोपण भी हो सकते हैं, कुछ कल्चरल कार्यक्रम भी, मैं संस्कार भारती दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, कुछ विद्यालयों में जाके इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए हम निबंध प्रतियोगिता कर सकते हैं, भारत को जोड़ने के लिए, मौलिक भारत का भाव जगाने के लिए, इस थीम के साथ में इतना सुझाव है। अभी तो एक वर्ष की योजना होनी चाहिए कम से कम कि हम एक वर्ष में क्या करेंगे, फिर अगले वर्ष की फिर चिंता करेंगे, बाकी सब काम करते रहें, पर एक वर्ष में मेरा मौलिक भारत ये काम करेगा। हम 21-22 में इतने काम करेंगे, अगस्त 21 से अगस्त 22 तक का एजेंडा कैलेंडर हमारा बन जाए कि हम इस एक साल के अंदर इतने सारे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसमें 75 काम में 5-7 काम 10 काम मेरे जुब में भी लगा सकते हो आप, क्योंकि मैं जब यहाँ का कार्यकर्ता हूँ तो मेरी भी ड्यूटी है, सुझाव दे के जाना तो कोई मतलब नहीं ना। उस सुझाव का तब लाभ होगा जब हम 75 लोगों के एक एक कार्यक्रम में हिस्से लगा दें, आप एक कार्यक्रम आप करो, एक कार्यक्रम आप करो, 75 कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, हो गए 75 आयोजन, और एक बड़ी राष्ट्र को हम भावांजलि समर्पित करेंगे अमृत महोत्सव पे। इतना ही सुझाव है, धन्यवाद। नमस्कार सबको। मौलिक भारत में वर्मा जी और अनुज जी से तो पहले से जुड़े हुए, लेकिन हम सीसीबीओज के माध्यम से हम जुड़े थे, लेकिन मेंबरशिप नहीं था हमारे पास ना हम, लेकिन अनुज जी को व्यक्तिगत हम जानते थे। जब वर्मा जी ने मुझे कहा कि मौलिक भारत का एक मीटिंग है आपको चलना है, तो मैंने इनसे सवाल कर दिया मैं तो मेंबर नहीं हूँ तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ, बोला आप एज ए स्पेशल गेस्ट हमारे साथ चलिए। क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज के डेट में मैं पूरे भारत का फिजियोथेरेपी कन्फेडरेशन एक ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। कई सारे संस्था से कई बार हम जुड़े हुए हैं, और कोविड का मैं सुन रहा था कि कोविड में ऐसे होता है, मैं एक कोविड जो सेकेंड वेव आया तो हमारी रोटी ICU में लगी थी, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं तो ICU कोविड में, कोविड की स्थिति को एक डॉक्टर से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। हम चाहे जितना भी डिबेट करें बात करें, लेकिन वहाँ जो ICU में और जिसका परिवार वहाँ जाता है और वो जब बाहर बैठता है और डॉक्टर और उसके बीच की जो कोऑर्डिनेशन है वही बता सकता है। कोविड के बाद पोस्ट कोविड में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसको टीच करने की ज़रूरत है। हम शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, जो मुख्य शहर है, जो 38 स्टेट है या 36 स्टेट है, जो भी स्टेट है उसके जो कैपिटल है वहाँ तो लोग जानते हैं, लेकिन गांव के लोगों को कोविड हो जाता है, सुने होंगे गांव के लोगों को हो गया और वहाँ पर ठीक तो हो गया, लेकिन कोविड के बाद उसका किसी का कान चला गया, किसी को रोशनी नहीं मिल रही है, किसी फंगस में है, तो उसको टीच करने की ज़रूरत है। कैसे टीच करेंगे? जो संस्था है आपका, चूँकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भी 1.5 लाख से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट जुड़े हुए पूरे देश के अंदर, और लीडर्स के लीडर हो आप, और लीडर के ठेक रखे, और मैं आप तो लीडर्स के लीडर हो, नहीं लीडर्स के आपने बताया ना डॉक्टर अभिनय अपने बारे में, दो यूनिवर्सिटी के डीन हैं ये, अच्छा एक में वाइस डीन है, एक में डीन है, और अपनी यूनिवर्सिटी की आपकी जो अप्रूव हो चुकी है झारखंड और आसाम के अंदर, आज ही हुई है, आज ही नोटिफिकेशन मुझे दिया है। क्या बात है, लेकिन साधारण जमीन से जुड़े हुए हैं तो आप देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं। मैं अपनी बात मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं रहा, सामाजिक क्षेत्र से हम जुड़े हुए, कई सारे संगठन हैं जहाँ से जुड़े हुए हैं, कई सारे संगठन पर काम हम करते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं तो हम हेल्थ में ज़्यादा काम करते हैं। अभी मैं झारखंड की स्थिति को सुन रहा था, 2 साल पहले भी मैंने झारखंड की स्थिति को सुनाया बताया कि आज सिंगासी एक जगह है, जंगल एरिया है, बांसू एक जगह है जो पहाड़ पर बैठा है, उसको PCM नहीं मिलता, बुखार हो जाता है PCM नहीं मिलता, वो झाड़ फूँक कराने चले जाते हैं, क्या वहाँ एक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए?
क्या वहाँ पर ऐसे लोगों को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जो कि डॉक्टर जो आदिवासी की बात कर रहे थे कि हम आदिवासी नहीं डिक्कू भी वहाँ दो समुदाय के लोग रहते हैं आदिवासी और डिक्कू। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बताता हूँ, वो ऐसे जगह पर ना पीसीएम मिलता है और बीमार पड़ता है, डायरिया हो जाता है, उसको मच्छर काट लेता है। उसको सिर्फ जागरूक कर दें कि मच्छर से बचने के लिए आपको ऐसे बचना है, आपको मच्छरदानी लगा के सोना, ये जागरूक करना। हमारे पास संसाधन की कमी, अभी उतने पैसे नहीं कि हर जगह मौलिक भारत के माध्यम से या किसी सोसाइटी के माध्यम से हम अपनी डिस्पेंसरी खोल दें चला दें, लेकिन वहाँ जो डिस्पेंसरी है उस पर नज़र तो रख सकते हैं ना कि जो हम काम करवा सकते हैं। तो ऐसे जगह पर, ऐसे शिमला में है, मैं असम गया था अभी कुछ दिन पहले डीमापुर में, इतनी बड़ी जंगल है डीमापुर में जो नक्सली की बात आप लोग कर रहे थे, वहाँ जानकारी एजुकेट नहीं है लोग नक्सली के पास। हम हिंदू क्रिश्चियन में इसलिए चले जाते हैं, हम पढ़ लिख के बेरोजगार हो जाते हैं, हमें 5,000 की नौकरी नहीं मिलती। क्रिश्चियन जाता है वो, आप ठीक है आप टीचर बन जाइए, ठीक है आपको मैसनरी में जॉब मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्या है कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसे करते रहते, कि वो बात नहीं है। हम मौलिक भारत के साथ हैं, भारत में जितने भी लोग रहते हैं मेरा विचार ये है कि उनको मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिलनी चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, उनको पानी मिलनी चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जो जितने चीज़ हैं उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी जो सिपाही है, हम लोग जो सिपाही हैं, हम लोग जो सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार जो हमारे हर जगह 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 डिस्पेंसरियाँ खोलते हैं, जगह जगह स्कूलें खोलते हैं, उस पर निगरानी रखने का काम मेरा है। हम उस पर दबाव डाल सकते हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारी कार्रवाई ये है, तुमको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। भ्रष्टाचार तभी तो रुकेगा, जब तक जमीन पर नहीं जाएंगे तो रुकेगा नहीं। तो मैं तो मौलिक भारत के साथ व्यक्तिगत अनुज जी को हम जान रहे थे, गौर साहब के माध्यम से, गौर साहब नहीं रहे तो उनके माध्यम से, CCBOs में मैं एजुकेशन चैप्टर चलाता था वहाँ से मैं, और CCBOs से ही जाने अनुज जी, शायद चेहरे से जानते होंगे, नाम से तो नहीं जानते। हाँ मैं 2-3 बार मिला था, और बस यही है आज वर्मा जी ने कहा और मुझे अच्छा लगा, मैं देखा कि कई लोग सुझाव विद्वान लोग हैं इसमें बैठे हुए, और हम वार्ता भी कर रहे हैं। तो अभी इसके बीच में मैं अनिल जी को, अनिल जी हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी पर लगातार काम कर रहे हैं उनके करप्शन के खिलाफ, और इनसे तंग आ गए वहाँ के अफसर, मतलब ये हर रोज़ उनको ट्वीट कर देते हैं, हर रोज़ कंटेंट भेज देते हैं, हर रोज़ उनकी कंप्लेंट कर देते हैं, हर रोज़ उनके कार्यों पर उंगलियाँ उठा देते हैं। और हम सब लोगों के प्रयत्नों का ही फल है कि अभी हमने लास्ट ईयर जब राष्ट्रपति जी को एक पूरी 300 पेज का वहाँ के घोटालों का कच्चा चिट्ठा भेजा, तो उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अनिल जी का, संजय जी का, हम सब का था। तो हम राष्ट्रपति जी ने उसकी इंक्वायरी के लिए यूपी गवर्नमेंट को लेटर लिखा, उसके बाद कोविड काल आ गया तो चीज़ें अटक गईं। इसके बीच में हमने फिर दोबारा एक लेटर और लिखा यूपी के मुख्यमंत्री जी को उन घोटालों के बारे में। तो यूपी के मुख्यमंत्री जी के हमने कहा 2000 जब से आप आए तब से अभी बहुत गड़बड़ी हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने 15 दिन के अंदर अंदर हमारे लेटर को संज्ञान लेते हुए उस पर CAG के अपने जितने 5 साल के कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं तीनों अथॉरिटियों में उनको CAG ऑडिट के अंदर कर दिया, वो कल से वो काम शुरू हो गया है। तो अनिल जी थोड़ा सा आगे हमें क्या क्या करना चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए, ऐसी उधर ही आ जाओ, उधर ही आ जाओ। अच्छा नमस्कार जी, अग्रवाल जी, राजीव जी, हाँ मेरी मुलाकात शायद मेरे ख्याल में 2014 में हुई है अनुज जी से, जब मैं करप्शन के खिलाफ काफ़ी लिखता रहता था। मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी मुलाकात उनसे कब हुई। 2014 में मेरी मुलाकात अनुज जी से हुई। किस बाबत हुई कि मैं जब गवर्नमेंट यूपी में चेंज हुई थी, समाजवादी की गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पर, उस टाइम करप्शन काफ़ी नोएडा, थोटीज, ग्रेटर नोएडा तीनों में काफ़ी लैंड बिल्डर्स को दी गई थी और बिल्डर्स ने पैसे देना बंद कर दिया था। तो जब मैंने मुद्दे उठाए इनके काफ़ी उस टाइम पर, तो वो मेरा मुद्दा किसी ने पढ़ा लखनऊ के अंदर, मिस्टर अनुराग ठाकुर IPS और हैं, उनकी मिसिस नूतन ठाकुर जी हैं, वो भी अपना RT एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी देखा। तो उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया, तो
तो मैंने ये कि आप कौन बोल रहे हैं कि मैं अनुराग ठाकुर बोल रहा हूँ, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, कि जी मैं भी अब रिजाइन दे के मैं भी अनुज जी के साथ जुड़ा हूँ, कौन तो अनुज जी कि जी वो मौलिक भारत वाले, तो मैं कुछ तो जानता नहीं था, उन्होंने फिर मैंने उनका एड्रेस दिया मेरे को, फिर मैं अपने फ्रेंड इनसे मिलने के तो हाँ तो जब मेरी मुलाकात हुई, फिर मैं अब 6 साल के अंदर 7 साल से जुड़ा हूँ, अब एक्टिव तो ज़्यादा नहीं हो पाए, पर अब नहीं जो काम कर रहे हैं उनके काम घंटा करके बहुत अच्छा। बस ये हम तो ये कि हम तो करप्शन फ्री इंडिया चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे मोदी जी का, नोएडा की ग्रेटर नोएडा की और यमुना एक्सप्रेस वे ऑपरेटिव में गरीबों के लिए इनकी डंडा करने से अब नए जितने उनमें समय उन्होंने कंपलसरी कर दिया बन होगा जी, बहुत अच्छा काम किया। तो बस हमारा तो ये है कि मौलिक भारत के साथ जुड़े हैं, तो हम इस तरह का काम करें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बंदा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करता रहे, करप्शन के खिलाफ, क्योंकि जैसे 60-70 साल में करप्शन इतना हो चुका है कि पहले तो थोड़ा होता था, पहले स्टाफ लेवल पर होता था। अब सुझाव ये जी कि हर स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपको ऐसा आदमी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि जो मतलब पब्लिक जो पब्लिक में इरेगुलरिटीज हो रही हैं गवर्नमेंट, हाँ हाँ तो मतलब उसमें कुछ नहीं, मतलब उसमें थोड़ा आईटीआई लगाते रहें, गवर्नमेंट के कामों को देखते रहें, जो उन्होंने तो बस ये कि सुभाष अग्रवाल को भी जुड़े हुए हैं, जितने देश के आईटीआई हैं सब मोदी गवर्नमेंट से जुड़े हैं। अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का हम आपको देख रहे हैं सर। दिल्ली का मतलब आईटीआई वाले आएगा मुख्यमंत्री आ जाएगा 2024 में, आप खड़े हो ना जी और हमारा संगठन मैं आप ही बता दूंगा, मैंने कहा जी आपको कोई वोट ना दे तो मुझे कौन देगा, मेरे गाँव के भाई ग्राउंड पर काम करने वाले यंग हैं और मॉडिफाइड से मौलिक भारत के इस कार्यक्रम में आज इस कार्यालय में और वर्चुअली जुड़े हुए सभी संगठन के पदाधिकारी और सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूं, और हमारे आदरणीय बड़े भाई अनुज जी अग्रवाल जिनका मार्गदर्शन मुझे पिछले कई वर्षों से मिलता रहा है और मुझे संगठन के साथ जुड़कर जो है काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से एक रणनीतिकार की तरह काम करता हूं, एक पीआर एजेंसी चलाता हूं और बहुत सारे संगठनों में आबद्ध होकर जो है अपनी एक छोटी सी भूमिका निर्वहन कर रहा हूं। और आज जब हम मौलिक भारत की बात करते हैं तो मैं मौलिक भारत को एक संगठन के रूप में नहीं एक आंदोलन के रूप में देखता हूं, और जिस प्रकार से संगठन के तमाम जुड़े हुए लोग आज राष्ट्र निर्माण में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में जब हम सभी लोग कोविड से जो है अपने घरों के अंदर बंद हैं और विभिन्न प्रकार के थॉट प्रोसेस हम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं और सब किसी ना किसी जो है समस्या से ग्रसित हैं, तो बहुत सारे लोग जो है आज समाज के अंदर जो है लोगों को उस समस्या से निकालने का भी काम कर रहे हैं, और तमाम सरकारों को तमाम संगठनों की जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं। अभी मैं अपने से पहले जो है तमाम अग्रजों को सुन रहा था और शायद मैं आप सभी के बीच में सबसे कनिष्ठ और सबसे कम अनुभव वाला व्यक्ति होऊंगा, परंतु फिर भी मैं ये दुस्साहस कर रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि आप सभी के सामने बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, पर मुझे जो भी भूमिका मिलेगी जो भी एक गिलहरी प्रयास होगा मैं उससे अधिक करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज आवश्यकता है। अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी एक डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आज से 10 वर्ष पहले जो मीडिया या लोगों के पास पहुंचने के जो तौर तरीके थे उनमें और आज के समय में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव आया है।
तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो है एक डिजिटल प्रेजेंस हो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पहुँचें, तो पहले भी बहुत सारे वक्ता इस विषय पर बात कर चुके हैं और अनुज भैया इस पर कह भी रहे हैं कि बहुत जो है इस पर गंभीरता से आगे जो है काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो ये क्रांति है, मुझे लगता है ये हर कस्बे, हर जिले, हर घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। और उससे पहले कि हम सरकारों से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, हमें भी जो है आत्ममंथन चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम राष्ट्र निर्माण में जो है क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ हम पार्टियों को, पक्षों को और नेताओं को वो जवाबदेही उनकी तय करनी तो आवश्यक है ही है, उससे पहले जो है हमें अपनी भी एक जवाबदेही तय करनी की आवश्यकता है। और मुझे लगता है उस क्रम में मौलिक भारत जो है एक पहला ऐसा कदम है जिसमें जुड़कर हम एक बहुत ही सक्रिय और एक रिमार्केबल जो है एक भागीदारी तय कर सकते हैं। और मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि मुझे आप लोगों के साथ जुड़कर जो है बहुत कुछ सीखने और करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। वेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी डॉक्टर कमल टावरी जी भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं, मौलिक भारत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं पिछले साढ़े तीन साल से, और इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी व्यक्ति हैं और उनका इतना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, सहयोग मिलता है, वो अविस्मरणीय है। तो थोड़ा लेट जुड़े हैं और इस समय उत्तराखंड में पहाड़ों पर हैं, तो वो अभी जुड़े हैं। मैं चाह रहा हूँ, मेरी ये अपेक्षा है कि वो थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दें। टावरी जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? बस सर, आपका उद्बोधन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी से कम वहां 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है। हुआ क्या, बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोगों से वो बड़े बड़े काम कर गए, बड़ा बड़ा ग्रांट, बड़ा बड़ा रिबेट, बड़ा बड़ा सब्सिडी सब लेके बांध बूझ के वापिस चले गए, वो सारा खाली पड़ा। तो क्यों नहीं हम मौलिक भारत में एक खर्चे का एक पैसे का खर्चा बढ़ाए बगैर जो अपने पास ट्रेनिंग सेंटर है तो उसमें हम बोले जो फेल हो गए
जो नापास हो गए अपने अपने परीक्षा में, आओ अब उनको सुबह लाजी धंधा दिखाएंगे। लास्ट टू पॉइंट ब्रदर, हम जब तक जड़ से नहीं जुड़ेंगे, हम अभी सारे कंस का काम कर रहे, कंस का करना पड़ेगा, कृष्ण का, पेड़ भी, पानी भी, गाय भी, गोबर भी, महिला भी, मार्केटिंग भी, नाटक भी, रसायन भी, पलायनवाद भी। तो हमको लगता है कि अपन ने इस पर वेबिनार करना चाहिए, उसके लिए हम वॉलंटियर है। हम जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, वो हम करने के लिए वॉलंटियर है और कर रहे हैं। जबकि और इसीलिए मैं सबको आप बोलता हूँ, करो करो करो, क्योंकि कदर होगी। मैंने नौकरी बेकार के कामों में, खादी ग्रामोद्योग, ट्रेनिंग, ये, और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मुझे जर्मनी की कंपनी ने अपना अनरेडी सलाहकार किया। 6 महीना जर्मनी रखते हैं, खाना पीना ट्रैवल वावल सब देते हैं, बोलते हैं आप बस विश्व के लिए रेप्लीकेबल मॉडल ढूंढो, जो विश्व का आम आदमी का भला करे। बड़े बड़े सरकार, बड़ा बड़ा UNDP, बड़ा बड़ा ILO, बड़ा बड़ा वर्ल्ड बैंक, भैया ये तो सारे शोषण वालों के साथी है, ये फैक्ट है, और इसमें अपन चुनौती देकर काम करते हैं। लास्ट पॉइंट अजय भाई, अच्छा हो गया आज आप मिल गए मौलिक भारत की मीटिंग में। मैंने आपको कई बार कोशिश की अजय भाई, कृपा करके, अब हम 76 साल के हो गए, अरे जिंदगी के 2-3 बच्चे, आप तो जवान आदमी है, तो थोड़ा साथ दे दो, साथ निभा दो, और कहाँ हमारी बात नहीं पटती है, अरे भाई बुजुर्ग आदमी है ना, तो हमारी सब बात पटेगी, कहाँ लिखा है। तो हम चाहते हैं मौलिक भारत के विंग में अपन वॉलंटियर बने, काम बात ठीक है, मैं वॉलंटियर करता हूँ अपने को रेप्लीकेटिंग गुड मॉडल्स ब्लॉक के साथ, जड़ से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मैं माफी चाहता हूँ, लेट हो गए, तो हम लोग मिलकर काम करें और उंगली की मुट्ठी बनाए, बस यही हमारा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी का निर्देशन मार्गदर्शन लगातार मुझे मिलता रहता है, हम लोगों ने बड़े सारे बिल पे अपनी चर्चाएं की हैं, और अभी जो सुझाव आज डॉक्टर जी ने दिया है उसका लंबा जवाब ये है कि हम ग्रामीण स्तर पर काम करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मुख्यधारा में लाएं, ये तो इसमें मैंने कुछ सुझाव ये रखा है कि अगर हम हर पंचायत स्तर पर जो मंदिर है उनको एक नया मंदिर संकुल बनाते हैं, वहाँ पर एक लाइब्रेरी बन जाए, वहाँ पर एक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर एक खुल जाए, साथ में कुछ धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं के लिए। ये एक हमारा सुझाव है जो मौलिक भारत जिस पर काम करना चाहता है, टावरी जी ने जिसको कहा है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक, क्योंकि जो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पुरातन संस्कृति में मंदिरों का बड़ा महत्व रहा है, अगर मंदिर को एक पूरा सेंटर बना दें नए सिरे से उमेश जी, कि वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट का भी एक सेंटर हो जो ग्रामीणों को अपनी रोजगार और आर्थिक उन्नति के लिए काम करे, वहाँ पर योग अध्यात्म का और आयुर्वेद का भी एक केंद्र हो, वहाँ पर धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं के लिए भी एक हॉल हो, वहाँ पर एक धार्मिक लाइब्रेरी भी हो, वहाँ गौशाला भी हो, तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक संपूर्ण होगा। हम कुछ शहरों में बड़े बड़े धार्मिक नगरियों में कुछ बड़े बड़े मंदिर बना दें, 1000 करोड़ रुपये उसमें लगा दें, उससे अच्छा है, और नई पीढ़ी जो है उसको धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता, तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे इसका और हमारे 1,00,000 मंदिर जो पूरे देश में हैं उन मंदिरों को हर वार्ड में और हर पंचायत में उनका एक विकास अगर एक धर्म संकुल के रूप में इस तरीके से करें, क्योंकि धर्म का तो अर्थ ही है समग्र विकास और समग्र शिक्षा और जीवन जीने योग्य शिक्षा, तो वो एक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी मौलिक भारत की तरफ से ये सुझाव दिया था, अभी उनको भेजा था पिछले महीने, और इसको मैं थोड़ा सा इस पर और वर्कआउट कर रहा हूँ, एक पूरी एक्शन प्लान बनाकर फिर मौलिक भारत की सारी संचालन समिति के सामने इसको रखूँगा भी, और फिर इस पर सब लोगों के सुझाव लेकर इसका एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके इसकी दिशा में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, अगर हम उसी पर ही करेंगे तो वो सारी चीज़ें जितनी इतने सुझाव आए हैं ना सारे उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे साथ संजीव जी हैं, जी हाँ, स्पिरिचुअल डिमांड्स ऑफ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल, जब मंदिर जुड़ेगा तो अध्यात्म भी जुड़ जाएगा टावरी जी, तो वो तो इंक्लूडेंट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम धर्म के सही मर्म को स्थापित करने के लिए ही काम करेंगे। अभी जो धर्म है दिखावा वाला ज़्यादा हो रहा है, तो उसको अगर समग्रता में आया तो हर व्यक्ति का विकास हो, आप धार्मिक पर्यटन नहीं है,
कि हम जाए बड़े मंदिर, बड़े धार्मिक नगरी चले गए, अयोध्या मथुरा काशी, और मंदिर देखा है और खुश हो गए, कुछ स्टोरी सुननी पढ़नी, मगर बाकी जीवन में उसको बिसरा देते हैं। वो हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, उस दिशा में हम काम करेंगे। संजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल शुरू से मौलिक भारत से जुड़े हुए हैं, बड़े जमीनी कार्यकर्ता हैं, बहुत सारा काम किया है और चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति हैं। अब इनको हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जोड़ा है मौलिक भारत में। संजीव जी से चाहूँगा कि अपने बारे में भी बताएं और थोड़े से सुझाव दें कि वो किस तरह से काम करें। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मौलिक भारत का और अनुज अग्रवाल जी का। और करीब 6 वर्ष से मैं जुड़ा हूँ अनुज जी के साथ में, मौलिक भारत के साथ में कार्यकर्ता के रूप में, और अभी कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं अनुज जी ने, और कार्यकर्ता के रूप में मैं वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करूँगा जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएंगी। और आज जो मुख्य बात हो रही है सुझाव के ऊपर, अब सुझाव भी मेरे विचार में सुझाव भी 2 तरह के होते हैं। एक सुझाव जो कुछ समस्याओं के ऊपर रखे जाते हैं, और एक सुझाव आज हम बैठे हैं मौलिक भारत की मीटिंग में, अपने इस मौलिक भारत को अपना एक संगठन या एनजीओ ना मान के, या कुछ इसको अपना परिवार अगर मान के चलते हैं, जैसे टावरी साहब ने भी बोला है कि हम इकट्ठे होकर चलना है, मजबूत होकर चलना है, तो एक परिवार मानकर सब लोग इकट्ठे रहेंगे अगर, तो बहुत अच्छे से हम आगे कार्य कर पाएंगे। वो सुझाव तो एक मेरा यही है। बाकी दिल्ली से हूँ मैं, हरिनगर से ही, और करीब 8 वर्ष पहले जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसके बाद हम लोग थोड़े जागरूक हुए। उससे पहले तो सोशल वर्क में इतने नहीं थे हम लोग, तो उसके बाद फिर मुलाकात हुई अनुज जी से। तो एक उदाहरण दूंगा आपको कि जिस तरह से अब उस समय हमें लगता था कि हम बहुत बड़े समाज में सुधार करना है, हमने पर लोकपाल लेके हम चिल्लाते रहते थे, लेकिन जब जुड़े मौलिक भारत से और आज भी बैठे हुए हैं और कई लोग मिलते हैं यहाँ पर, तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि हम छोटी सी बीमारी होती है हमें, तो हम अस्पताल में जाते हैं तो अपना इलाज करवाने के लिए, तो जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ तो हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो जिनको बहुत गंभीर गंभीर बीमारी है, तो फिर लगता है यार अपनी बीमारी तो कुछ भी नहीं है। तो आज जब बैठे हैं तो देखते हैं समाज में इतनी समस्याएं हैं, और उसको समस्याओं पे लड़ने के लिए और उसके पे कार्य करने वाले इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं हमारे साथ में, यहाँ मौलिक भारत ने इतने से काम कर रहे हैं, तो हम तो मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, समझता हूँ बहुत छोटी सी बीमारी है मेरे को, तो बस तो बहुत बड़े बड़े मरीज हमारे साथ में यहाँ पे हैं समाज सुधार के लिए। तो थोड़ा उदाहरण थोड़ा गलत है तो, लेकिन यही समझ में मेरे को आया। और बाकी ठीक है, बाकी जितना भी मुझे कार्य दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, जो मैं पूरी अपना लगन से पूरी मेहनत से उसको मैं निभाऊंगा उसको, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सीमा रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा रावत जी नोएडा में बड़ी सक्रिय हैं और सामाजिक स्तर पर छोटे छोटे लेवल पर जो काम करके बड़े परिवर्तन आते हैं उनकी वो उस दिशा में उस तरीके से काम करती हैं, और मौलिक भारत से अभी नहीं जुड़ी हैं, और हमने अपने दिल्ली NCR की महिला विंग का उनको इंचार्ज बनाया है, तो उनके पास उनके क्षमताओं को समझते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है कि वो उन पर खरी उतरेंगी। तो कैसे क्या सोच रही हैं अपने बारे में भी और थोड़ा संस्था के लिए अपने कार्य के बारे में बताइए। धन्यवाद अनुज जी। पहली बात तो मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहूँगी, आज यहाँ आके मुझे बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा है। सब लोग बहुत ही सीनियर लोग हैं यहाँ पे, और मैं एक बहुत छोटी सी हैसियत मैं रखती हूँ। हाँ, ये है कि जीवन में अनुभव काफ़ी चीज़ों का रहा। मैं उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली में बॉर्न ब्रॉटअप हूँ, मगर उत्तराखंड के राजपूतों में एक चीज़ होती है कि बचपन से सिखाया जाता है न डरना है न मरना है। और जैसा कि मौलिक भारत का सिद्धांत, मौलिक भारत से मेरा परिचय जो है फेसबुक के माध्यम से ही रहा, और बहुत पहले से, बल्कि अनुज जी से भी परिचय होने से पहले मौलिक भारत से मेरा परिचय हुआ, और मैं बहुत इम्प्रेस थी उन दिनों DND का इनका जो भी आंदोलन था वो रहा। और जो प्रभावित करने वाली बात थी कि एक ऐसा मुद्दा मौलिक भारत ने उठाया था जिसका जो लाभ था वो हर इंसान को मिलने वाला था और मिला। अब इसलिए शुरू से ही मैं मौलिक भारत के प्रति मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। तब तक मैं कुछ नहीं जानती थी और ना समाज सेवा का मुझे कुछ पता था। हाँ, इतना परिवार जो हमारा रहा है, हमने उसमें ये सीखा था कि जो अपनी थाली है उसमें से एक हिस्सा हमें समाज के प्रति भी निकालना चाहिए, चाहे वो जीवों के रूप में हो, चाहे किसी इंसान के रूप में हो।
और ये एक सिद्धांत रहा जीवन का, और जो एक और सिद्धांत था कि भाई मरना नहीं है, डरना नहीं है, तो वो भी रहा। तो जीवन में ये सीखा कि हाँ, किसी भी चीज़ को आप बदल सकते हो अपने कर्म से, और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। और इसके बाद जब थोड़ा सा अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जब तक बच्चे छोटे रहे तब तक तो यही करते रहे कि जो अपना सामर्थ्य अनुसार था किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे किसी की फ़ीस भरी होगी, चाहे कुछ भी किया होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताने लायक बात नहीं समझती हूँ, मगर अब थोड़ा सा समय मिला तो मैंने मुझे अनुज जी से जितना भी वार्तालाप हुआ, इन्होंने मुझे मौका दिया, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। और अपने सीमित सोच के माध्यम से मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मतलब मैं जो समझ पाती हूँ, मौलिक का मतलब होता है आधारभूत। और मैं जो परिकल्पना करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपने देश से प्यार होता है, अपने समाज से प्यार होता है, मुझे भी है। और वहाँ पर अगर मैं मौलिक भारत की अगर अपने सोचती हूँ, उसकी तस्वीर देखती हूँ, तो वो भारत जो जिसका आधार जो है संस्कारों पे है, संस्कृति पे है, और जहाँ हर एक व्यक्ति का अपना एक अधिकार हो, उसको उसकी पूरी मूलभूत सुविधा जो मिलती है, और जिसके लिए मौलिक भारत इतना प्रयत्न कर रहे हैं। और आज यहाँ जान के जो लगा मेरा, मतलब जो भी सुना मैंने, उससे मुझे काफ़ी एक अद्भुत अनुभव मुझे महसूस हो रहा है, मतलब मैं उसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। तो एक मैं जानना भी चाहूँगी, क्योंकि मैं नई हूँ, पहली बार यहाँ आई हूँ, और वो भी अनुज जी ने भरोसा किया और इतना बड़ा पद मुझे दे दिया। इससे पहले मुझे कोई खास अनुभव नहीं है। हाँ, मैं लॉयंस क्लब नोएडा की एक शाखा की मैं सेक्रेटरी रही हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा अनुभव मैंने लिया समाज सेवा का, कि हाँ किस तरह से काम होता है। पर मैं सच बताऊँ, जो काम होते हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं रही कभी भी। और पर यहाँ जिस तरह से बड़े बड़े मुद्दों पे बात हो रही है, मतलब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस लेवल पे आप लोग काम करते हैं, और इसके लिए मैं बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ अपने आप को यहाँ पे बैठा हुआ पाकर। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो मैं सोचती हूँ, और शायद मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि इस विषय पे कुछ हो। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो हमारा देश का भविष्य भी बच्चे हैं, और उनके विषय में भी कुछ उस तरह से काम हो, और इसके लिए शायद हम बाद में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। और बड़े बड़े मुद्दे ठीक है, किसी देश के लिए बड़े बड़े मुद्दे भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जो सरकारों से या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं, मगर जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि समाज का निर्माण जो होता है वो हर, मतलब बच्चे एक विरासत हैं, वो पीढ़ी हैं जो आगे जाके चीज़ें संभालेंगे। और आज की व्यवस्था जो बच्चे जिस हिसाब से उनका है सब कुछ, वो बहुत ही, मतलब बहुत ही विचारणीय है, उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि चारों तरफ जो भी माहौल है वहाँ बच्चों को वो अच्छा माहौल नहीं मिलता है। जिन घरों से अच्छे सिद्धांत बच्चों को संस्कार मिले हुए हैं, वो बच्चे कई बार अकेला पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ व्यवस्था ही ऐसी है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, किसी सोसाइटी में बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है। हर पार्क में, मान लीजिए एक सोसाइटी में चार पार्क हैं, या कहीं पर भी, एक उदाहरण दे रही हूँ जस्ट, तो उसमें से कम एक पार्क तो बच्चों के लिए छोड़ दो। सबको उन्होंने सबका सौंदर्यकरण करना है। सौंदर्यकरण पार्क का, बच्चों का सौंदर्यकरण कब होगा? मतलब उनका सौंदर्यकरण किस बात पे निर्भर करता है, ठीक है? और आज की डेट में बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है कि बच्चे जो हैं वो बड़ों की सुनते नहीं हैं। मेरे सामने पीछे एक मुद्दा आया, मेरे बेटा 17 साल का है, उसने आके बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, फुटबॉल खेलते थे, मम्मी देखो फुटबॉल की जो ग्राउंड था ना उसको भी इन्होंने पेड़ पौधे लगा के कर दिया। हम कहाँ जाएँ मम्मी? अच्छा, तो मैंने कहा बेटा अगल बगल में पार्क वहाँ पे है, वहाँ पे भी आप बात करो, अगर यहाँ कर दिया क्या करें? क्योंकि आमतौर पर हमारी आदत होती है हम किसी से भिड़ना नहीं चाहते, हम शांति पसंद लोग हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो यहाँ आ गया बेटा, दूसरी जगह ढूंढ लो, ठीक है। वो कहते हैं मम्मी वहाँ पे ना 200 रुपये घंटा मांग रहे हैं पर पर्सन। आप ये, मतलब ये लगाइए कोई न्यायपूर्ण तरीका है? आप बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था वैसे ही ऐसी है कि मतलब बच्चों को पूरा मशीन बना के रखा हुआ है, नंबरों के गेम में उलझा के रखा हुआ है। और वो उस मुद्दे पे तो खैर अभी जाएंगे ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को भी समझते हैं, और पहले भी बात हो चुकी है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, तो उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। मैं तो एक छोटा सा मुद्दा पकड़ूंगी कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भविष्य हैं, और उन बच्चों को ही हम वो नहीं दे पा रहे हैं कि कल को हमारा आने वाला भविष्य मजबूत हो सके। ऐसा नहीं है, हम लोग मतलब प्रयास करना चाहते हैं, पर कहाँ किस दिशा में,
क्या हमारे लिए सिर्फ अच्छा, दूसरी बात इस यहाँ पे ये भी होती है कि मैं सुन रही हूँ बहुत टाइम से, देखिए मैं पहले मैं गृहिणी रही हूँ, मैं बिजनेसमैन भी रही हूँ, इस क्षेत्र में बाद में आई हूँ, तो अब थोड़ा सा मैं सोचने लगी, सोचती हमेशा से रही थी, पर अब बोलने का शायद मौका अभी मिल रहा है तो मैं बोल पा रही हूँ, और शायद मेरे शब्द व्यवस्थित नहीं है उतना अपनी बात को कह पाने के लिए, तो दाएँ बाएँ बात जा रही होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों के हक के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को एक मशीन की तरह बना दिया गया है, हम संस्कार की बात करते हैं, हम और चीज़ों की बात करते हैं, जब हम उन्हें जो एक बच्चे को चाहिए वही नहीं दे पाते हैं, तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे हिसाब से व्यवहार करें। मैंने चलिए अपने बच्चे को वो दे भी दिया, और किसी तरह से उसने ठीक है, वो माता पिता भक्त हो गया मेरा बच्चा, उसमें ईश्वर ने वो दे दिया तो वो मान लेगा, बाकी के बच्चे मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, मेरा बेटा भी कई बार आके बताता, तो मेरी एक ज़्यादा बात को खींचूंगी नहीं, मैं एक मुद्दा ये भी रखना चाहूँगी इस विषय में कि आपके पास यहाँ बहुत बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो एक इस मुद्दे पे भी कि हमारी जो विरासत है वो सही कैसे रहे, आगे जो भारत का एक निर्माण होना है भविष्य का, वो उस पर कैसे काम हो, और उसमें महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं ज़्यादातर बच्चों का संपर्क जो होता है अपनी माताओं से होता है, तो हम महिलाओं का जो है हम किस तरह से वो जोड़ सकते हैं कि हम सामाजिक रूप से भी और घर से भी, क्योंकि एक समाज जो होता है घर से बनता है, तो हम अपने अपने लिए मतलब खुद के लिए हम लोग ये सोच के चलें कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, और बाकी तो सभी प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पे सलाह देने के लिए भी और सुझाव के लिए भी, मेरे छोटी सी सोच में जो है वो इतना ही आता है। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सटीक सुझाव है, और ये इसीलिए जोड़ा गया है, ये हमने आपको कोई छोटा सा कार्यकर्ता नहीं समझा ना, देखिए मूलभूत प्रश्न जो है वो मूलभूत लोग ही उठाते हैं, तो जो संवेदनशील तरीके से समाज को देखते हैं, पारिवारिक व्यवस्था को देखते हैं, और छोटी छोटी जब ह्यूमन ग्रोथ जो है बच्चों की ग्रोथ ही ढंग से नहीं होगी तो स्वस्थ समाज कैसे बनेगा, तो स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में बच्चों की परवरिश, बच्चों का विकास सही से हो, ये फंडामेंटल चीज़ है, और मुझे लगता है सीमा जी ने इस पर काफ़ी सोचा भी, उनकी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली NCR के हमारे अध्यक्ष अनिल वर्मा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत पुराने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, मौलिक भारत की फाउंडेशन से ही मौलिक भारत से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो अपनी परिचय भी दें और अपने आगे के क्या दिल्ली NCR में मौलिक भारत का विस्तार किस तरह से किया जा रहा है उस पर। सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार, जितने भी यहाँ ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन हैं सभी के लिए। वैसे तो मौलिक भारत से मैं 2012 या 13 से जुड़ा हुआ हूँ, और एक वॉलंटियर के रूप में साथ में समय समय पर कार्य करता रहा हूँ, लेकिन अभी जब 2021 में अनुज जी ने इसका कार्यकारिणी का नवीन गठन किया है, तो अनुज जी ने मुझ में क्या देखा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी कि मुझे मौलिक भारत का दिल्ली NCR का अध्यक्ष बनाया, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी इस आशाओं पर खरा उतर सकूँ। अब यहाँ मैं बहुत देर से, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो गए होंगे, और मैंने बड़े बड़े वक्ताओं को, बड़े बड़े अनुभवी लोगों को सुना, और सबने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों पे वो सारे मुद्दे ही मौलिक भारत के लिए लेकर चलना कोशिश होगी कि हम उन मुद्दों के हल खोजने की कोशिश कर पाएँ, और उन मुद्दों को साथ लेके समाज के अंदर जो भी स्थिति बिगड़ी हुई है उन मुद्दों को हम उठा करके सरकार को भी जो है दबाव बना पाएँ, और समाज के अंदर भी लोगों को जागरूक कर पाएँ। अभी करंट एक मुद्दा मैडम ने, सीमा जी ने उठाया है पार्कों का, वो मैं अचानक, क्योंकि अभी करंट का है, अभी पिछले मुद्दे तो बाकी हैं, उसमें सबसे बड़े दोषी हम ही लोग हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में लगभग पिछले 30-35 साल से दिल्ली में हूँ, और मैं जितनी भी पॉश कॉलोनी है सबको जानता हूँ, और सब मैं घूमता हूँ, आप भी जाते होंगे, कि जो उस कॉलोनी के रहने वाले हैं वो अपने बच्चों की चिंता कम करते हैं, अपनी कारों की चिंता ज़्यादा करते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको जितनी भी पॉश कॉलोनी है सबके पार्क दिखाता हूँ, सबको कार पार्किंग बनाया हुआ है उन लोगों ने, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर नहीं, कार पार्किंग के नाम पर। यमुना बिहार दिल्ली की सबसे पुरानी DDA कॉलोनी है, और उसमें हर कॉलोनी में एक पार्क है, हर 2 गली के बाद एक पार्क है बहुत बड़ा, और हर पार्क आज कार पार्किंग बना हुआ है। चलिए आप बसंत बिहार, चलिए बसंत कुंज। तो मैं जितने भी मुद्दे हैं ना, उसमें से 90% मुद्दे तो हम लोगों ने अपने आप बनाए हुए हैं, 90% देश की समस्याएं हम लोगों ने अपने आप गठित की हुई हैं। हम अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के खाली फ्लैट में फेंकना पसंद करते, प्लॉट में फेंकना पसंद करते हैं। हम अपने घर का चूहा
पड़ोसी के घर में रात को चुपचाप फेंकते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे ना, अगर हम चाहें, अगर हम जागरूक नागरिक बने तो उन मुद्दों को हम अपने स्तर पर सुलझा सकते हैं, लेकिन हमने उन मुद्दों को सुलझाना छोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से एक तरह से त्याग पत्र दिया हुआ है। हम वो लोग हैं, भारत के लोग हम वो लोग हैं जो हम ये सोच के चलते हैं, होता है होता रहे, मुझे क्या, मेरा थोड़ी हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर मेरे गली के अंदर कोई अनऑथराइज कार पार्किंग करता है तो हम ये सोचते हैं फलां के गेट पे की है ना, मेरे दरवाजे पे थोड़ी की है, जब मेरे दरवाजे पे करेगा तब देखेंगे। मैं दिल्ली में होकर निकलता हूँ, आप भी सभी लोग दिल्ली में होकर किसी ना किसी, मतलब दिल्ली छोड़िए किसी भी जगह को ले लीजिए, हर जगह आप लोग घूमते हैं निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ, आपके और मेरे सामने सुबह से शाम तक इतनी समस्याएं सामने दिखाई देती हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं, आगे कौन बढ़ेगा? तो मौलिक भारत का गठन इसीलिए किया अनुज जी ने कि हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ें, इन मुद्दों को उठाएं। और हमारी कोशिश यही होगी कि आप सबके जो भी मन में समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको हम एकजुट होकर के सब बैठें और सब बैठ करके उन मुद्दों के ऊपर बात करें और सरकार पर दबाव बनाएं और खुद भी सुधरें। खाली सरकार को सुधारने से कुछ नहीं होगा, सरकार तो कोई सी भी आ जाए, हम 75 साल से देख रहे हैं आज़ादी के समय से, कोई सी भी सरकार आ जाए, सिर्फ लोकतंत्र एक वोट तंत्र बनकर रह गया है। लोकतंत्र कोई समाज सुधार के लिए नहीं है, मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूँ, लोकतंत्र सिर्फ वोट तंत्र है, जहाँ वोट है वहाँ सत्ता है। वो हमारे बारे में नहीं सोचते, चाहे हम हिंदू हों, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में सोचती है, जिधर उसको वोट की पावर दिखाई देती है उधर वो शिफ्ट हो जाती है। आज हम ये कहते हैं हिंदूवादी सरकार है तो उस पर भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके बाद हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं कि इस सरकार के लिए हम क्या जवाब दें। आज हम तुष्टिकरण का वो दौर देख रहे हैं, मैं खुलेआम डंके की चोट पर कह रहा हूँ, तुष्टिकरण का वो दौर देख रहे हैं कि जो हमने पिछले 75 साल में नहीं देखा। हम इस पर किससे जवाब मांगें? तो हम मौलिक भारत के लोग हम यही उम्मीद करते हैं कि हम इन समस्याओं को साथ लेकर चलें। लोगों ने बहुत अगर मैं सभी मुद्दों पर जवाब देने बैठूं, एक अध्यक्ष के NCR के अध्यक्ष होने के नाते अगर मैं सभी मुद्दों की बात करूं तो हर मुद्दे पे सरकार घिरती हुई नज़र आती है, चाहे सरकार किसी भी राज्य की हो, किसी भी केंद्र की हो, हर जगह। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम सब मिलकर एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें और जहाँ तक हो सके हम मौलिक भारत के साए तले इन मुद्दों को सुलझवाने की सरकार के ऊपर दबाव बना करके कोशिश करें और खुद भी सुधरें। ये मेरा बार बार कहना है, हम औरों को सुधारने से पहले खुद सुधरें। सभी के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये समय बहुत हो चुका है, अगर बहुत ज़्यादा समय लूँगा तो बहुत और समय बढ़ता जाएगा। सभी के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उद्बोधन अनिल जी का, और दो बातें स्पष्ट हो गई। दिल्ली NCR का जो एजेंडा है मौलिक भारत का, एक तो सिविक सोसाइटी का निर्माण, सिविक सेंस का निर्माण लोगों में, सामाजिक मुद्दे पर ये हम 10 पॉइंट जो सिविक सोसाइटी के निर्माण में कमी है उस पर हमें काम करना है। दूसरा, जो चाहे यहाँ नगर निगम हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी जवाबदेही, वो अकाउंटेबल रहें, इन दो मुद्दों पर काम करना है, हैं दो मुद्दे। हमारे साथ राजकमल जी हैं, नए जुड़े हैं और मेरे साथ तो पुराने परिचित हैं, और अभी जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उनके रेगुलाइजेशन के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं, अपने अनुभव से काम कर रहे हैं। जब अपने ऊपर इनको आई, अपनी कॉलोनी में इनको दिक्कतें आई, तब इन्होंने उसका बीड़ा उठाया, और जो माइक्रो लेवल पर काम होना चाहिए, क्योंकि देश की 70% आबादी अनऑथराइज एरिया में रह रही है। तो असली हिंदुस्तान वही है, असली भारत वही है, उसको बेसिक सुविधाएं मिलें, उसका बौद्धिक विकास भी हो, उसकी आर्थिक विकास भी हो, उसको समुचित जीवन शैली सारी चीज़ें मिलें, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो ये छोटे प्रयास सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए राजकमल जी आज हमारे साथ हमारे बीच में। मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपना परिचय भी दें और अपने कामों के बारे में, मौलिक भारत में क्या इस काम को बढ़ाना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं अनुज भैया का अनुज हूँ, क्योंकि अनुज भैया ने मुझे अपने सानिध्य में, एक मार्गदर्शन में मुझे एक मौका दिया। हालांकि मैं नहीं सोचता कि मैं इस लायक हूँ अभी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जब हम भैया से मिले थे तो फेसबुक से ही मिले थे, और फेसबुक पे मैंने भैया से पूछा था कि आखिर आप क्या करते हो, ऐसा क्या करते हो, मैं बार बार आपका पोस्ट देखता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और मुझे एक्चुअली बचपन से ही थोड़ा सा था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और जो भैया ने दिया
भैया ने ये कहा कि ठीक है तुम एक बार मिलो, मिल से बात करो, मिलते हैं बैठ के बात करते हैं तो पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम मैं और मेरे बड़े भाई दोनों गए इनके आवास पे, मिले, बहुत अच्छा लगा। और फिर भैया ने एक मौका दिया है, एक्चुअली मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, ऐसे तो नोएडा अथॉरिटी हर जगह चमकाती है, आप चले जाओ एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है 58 तक 58 तक सब में एकदम भगवान चमक रहे हैं, लेकिन उसके 10 किलोमीटर आगे चले जाइए एक सलारपुर गांव है, वहाँ पे उस गांव में इतनी बुरी स्थिति है, चाहे वो हर जगह के लोग रहते हैं, पूरे भारत के हर हर राज्य के लोग वहाँ रहते हैं, बट बेसिक सुविधा नहीं है ना, मतलब बिजली पानी और इन सब चीज़ों की बहुत मतलब हालत ख़राब है वहाँ पे। और इसके लिए मैंने भैया से बात किया और भैया ने फिर बताया कि वहाँ पे एक सोसाइटी बनाओ। फिर हमने एक RW के तर्ज पे वहाँ पे एक RW रजिस्टर कराया, RW रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अभी काम लगता है कि अब क्योंकि विधायक जी के यहाँ से कुछ चीज़ें आई हैं आगे तो विकास होगा, और मैं चाहता हूँ कि जो ये मुझे भैया ने ये उत्तरदायित्व दिया है शहरी और ग्रामीण विकास सचिव का, तो मैं इसको इनके मार्गदर्शन में और आप सभी प्रभुत्व लोगों के मार्गदर्शन में मैं अपने से जो हो सकता है उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ और बड़े भाई एडवोकेट संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के मामले हों या NGT के मामले हों चाहे रेरा के मामले हों, इन सब पर ज़बरदस्त काम है, बड़ी गहरी पकड़ है, मूलतः हिमाचल के हैं और दिल्ली NCR में हर ऐसे मुद्दे पर जहां गड़बड़ हो रही है किसी भी अथॉरिटी द्वारा उस पर इनकी नज़र रहती, बड़ी पैनिक नज़र रहती है, और हम जिन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते वो ही हमें बताते हैं, तो एक हमारे लिए तो एक तरीके से बैकबोन है मौलिक भारत में। तो मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए हमारे लिए दो शब्द कि क्या क्या हमें आगे करना चाहिए, थोड़े से सुझाव आपके। सभी उपस्थित जन को मेरा नमस्कार। आज आकस्मिक ही मुझे जानकारी मिली कि अनुज जी ने यह कार्यक्रम रखा है। चर्चा तो पिछले लगभग एक माह से चल रही थी, लेकिन हम लोग लगभग कोरोना काल में अस्त व्यस्त से हैं, लेकिन इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि हम अस्त व्यस्त हैं सामाजिक रूप में, लेकिन जो सरकारी कार्यप्रणाली है वो बहुत चौकस है, वो बिना किए कामों को करवाई जा रही है। अब मेरा ध्यान दीजिएगा, बिना किए हुए कामों को क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभी लगभग मैं मौलिक भारत के माध्यम से यह चैलेंज कर सकता हूँ, गौतम बुद्ध नगर में ही अकेले लगभग तीनों प्राधिकरणों में इतने काम बिना क्रियान्वयन के पत्रावलियों में किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक मेरा मन हुआ तो मैंने एक ट्वीट किया और मेरे साथ अनिल जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है, क्योंकि हम तो हमारी एनर्जी तो यूजलेस हो चुकी है, क्योंकि अविश्वसनीयता की तरफ अनुज जी को पता ही है कि हम काफ़ी गहराइयों में जा चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमें आघात होगा उस दिन मुझे लगता है समाज के लिए बहुत बड़ा आघात होगा। हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 सरकारों के 2 सरकारों के मध्य की गई, लखनऊ में राजधानी में जाके की, जिसमें कि एक में तो एक दर्जन मुस्टंडे जो आज पोंटी चड्डा जी नहीं है इस संसार में, उन्होंने एक दर्जन मुस्टंडे बाई एयर भेजे थे, और यदि मैं अनुज जी उस रात को अकेले मतलब बाई ट्रेन नहीं वापस आए होते तो हमारा मंशा थी कि रात को रुक के सवेरे चलेंगे तो शायद हम वापस ना आ पाते नोएडा। और हमारे तीसरे साथी बड़े प्रबुद्ध हैं और भूतपूर्व सैनिक भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमें साथ ही क्या दिया, अच्छा मार्गदर्शन भी किया, और आज वो सत्ता भोग भी रहे हैं। मैं तो स्पष्टतः कहूँगा कि सत्ता में आने के बाद आदमी में कैसा बदलाव होता है वो हमने एक तरह से पारिवारिक संबंधों में ही देख लिया। मेरे को तो पहले से कुछ अनुभव है, अनुज जी को तो बड़े कड़वे अनुभव हैं, तो लेकिन हमारे जिनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के हम तीनों चल रहे थे, वो भी एक सत्ता के गलियारे में आते ही
कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गए कि बिल्ली तो मुझे खाएगी नहीं, क्योंकि उन्हीं के साथ ही सब लपेटने में लगे हुए हैं। मैं तो इवन ये कहता हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र को क्या आवश्यकता थी कि अपना पैतृक स्थान छोड़कर नोएडा जैसे संपन्न क्षेत्र में आकर वो चुनाव लड़ता और अगली भूमिका के तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्री तक आके उसे कंटिन्यूटी में रखना चाह रहे हैं। ये बड़े सजगता का विषय है, क्योंकि तीनों प्राधिकरण जो हैं वो वैश्विक स्तर के प्राधिकरण हैं, लेकिन उसमें कार्य जो होते हैं मुझे लग रहा है कि स्लम एरिया में ज़्यादा बढ़िया कार्य हो जाते हैं, क्योंकि स्लम एरिया का जो निवासी है वो डंडा उठा लेता है, लेकिन नोएडा का निवासी, ग्रेटर नोएडा का निवासी और गौतम उसमें अपना यमुना एक्सप्रेसवे में तो अभी आबादी ही बसी नहीं है, तो सारी चीज़ें बड़े सामंजस्य से संजोई जा रही हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय जी, मोदी जी एंड योगी जी, इन चारों के बारे में मैं कोई भी नकारात्मक नहीं कह सकता, क्योंकि नकारात्मकता है ही नहीं। लेकिन अटल जी का दोहरा रास्ता, जैसे सोनिया को दे देना नागरिकता, जो सोनिया के अपना परिवार ही नहीं, 6-6 प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, और अटल जी का जानकारी प्राप्त होना कि पारिवारिक जीवन भी रहा उनका, ये बड़ी संदिग्ध सा चीज़ लगती है कि अब हम इस संसार में किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें आने वाली जनरेशन्स को सजग रखना है, उनको वो देना है जिम्मेवारी पूर्वक जो उनकी आवश्यकता है, एवं प्रकृति ने हमें संजो कर दिया है, हमें उसे बेहतर तरीके से संजो कर दें, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारा आंदोलन गतिमान रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें अनुज जी को पता है कि जब जब आवश्यकता होगी तो हम रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन हम किसी को गलत करने भी देने वाले नहीं हैं, और अनिल जी की कलम तो मुझे लगता है कि चलती रहती है, थोड़ा सा हमें सहयोग नहीं मिलता, तो सहयोग मिलेगा तो मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम निकट भविष्य में अगले वर्ष तक आ जाएंगे। धन्यवाद। देखिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बड़ी कड़वी बातें, खरी खरी बातें भी संजय जी ने कहीं, और इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक नई लीडरशिप हमें तैयार करनी है। मौलिक भारत का एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी है कि अगली जनरेशन के लिए पूरे देश भर में एक अल्टरनेटिव लीडरशिप तैयार होती जाए, तो इस दिशा में भी हम लगातार काम करते हैं। जिस जो भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ये हमारा बेसिक एम है। और आपने अभी सब दिन भर के डिस्कशन में देखा भी यही होगा कि विविध क्षेत्रों के बहुत अच्छे अच्छे लोग, समर्पित लोग, जो बिल्कुल निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए, समाज के लगे हुए हैं, ऐसे लोग, और ये जितने देखें ये आपने सिर्फ 2% देखे हैं, इससे 50 गुने लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, इतने ही अच्छे क्षमताओं के, कैलिबर के, हो सकता है 100 गुने हों। मतलब हम लोगों का, हमें खुद ही नहीं याद रहता कितना बड़ा हमारा नेटवर्क है। हम चुपचाप काम करने वाले और अच्छा काम करने वाले लोग हैं। आज हमारे साथ बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे केंद्रीय कार्यालय प्रमुख गोपाल जी, वो पूरी मीटिंग्स के मिनट्स तैयार कर रहे हैं लगातार, सबके सुझावों को कलमबद्ध कर रहे हैं, और उनका समर्पित भाव, उनकी लगातार जो एक RTI एक्टिविस्ट के रूप में देश में सबसे बड़े RTI एक्टिविस्ट मैं उनको कहूँगा कि एक बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के निजी पालन पोषण को भी एक तरफ रख के सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर, मुझे लगता है कई बार उन्होंने पानी से भिगो के रोटी खाई होंगे, ऐसे व्यक्ति हैं ये, और 6,000 से ज़्यादा RTI लगाई हैं, सैकड़ों घोटाले खोले हैं, और न जाने कितनों को इन्होंने जेल डलवाया, कितने इन पर दबाव हैं, कितनी बार हमले हुए होंगे, और अभी भी मुझे लगातार फाइलें दिखाते हैं कितने इन पर दबाव बड़े बड़े लोगों के आते रहते हैं, और बहुत सारे चैनलों पर, अखबारों में उनके आर्टिकल देखे होंगे, चैनलों में आपने इनको कई बार वार्ताओं में देखा होगा, तो मुझे लगता है RTI की मशाल इन्होंने जितनी जलाई है उतनी शायद अभी देश में किसी ने जलाई। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलिक भारत के आगे के सुझावों के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में गोपाल जी से आऊँगा कि अपना मार्गदर्शन दें। नमस्कार, मैं गोपाल प्रसाद, वर्तमान में मौलिक भारत संस्था का कार्यालय प्रभारी और विशेष रूप से सूचना का अधिकार पर कार्य, विगत 2010 से अभी तक मैं लगभग 6,500 से ऊपर RTI फाइल किया, 90% से ज़्यादा का जवाब भी पाया, और 10% के करीब मैं फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में गया,
और जवाब प्राप्त किया। कई ऐसे डिसीजन करवाए जो आरटीआई के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे आरटीआई के मुद्दे पे जो सीआईसी ने डिसीजन दिया वह अगले केस में मील का पत्थर साबित होगा। उसका रेफरेंस दे करके कई सारे लोग, तो मुख्य रूप से हमारा मौलिक भारत के संदर्भ में ये कहना है कि देखिए, कार्य करने वाली तो बहुत सारी संस्था है, लेकिन कार्य करना एक बात होती है और कार्य करवाना एक दूसरी और बड़ी बात होती है। और कार्य करवाने वाला जो संगठन होता है या कार्य करवाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको विषय की जानकारी, कार्य करने का अनुभव और कार्य करवाने के टेक्निक्स, लॉजिक्स, इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अनुज अग्रवाल जी में ये तीनों महारत हासिल है। वो विषय की जानकारी भी रखते हैं, विषय की गहराइयों को भी समझते हैं, इसके साथ साथ देश की मूलभूत समस्याओं की बारीकियों को समझते हैं और उसकी समाधान की दिशा में क्या क्या किया जा सकता है, कितने तरीके से किया जा सकता है, किन किन माध्यम से किया जा सकता है, इन सारे चीज़ों की गहरी अनुभव है। मैंने ऐसा महसूस किया, मेरे अपने संपर्क में जब मैं बिहार से आया था, मैं बड़ा घमंडी मिजाज का व्यक्ति था। मैं सोचता था कि मैं मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट हूँ, क्लास में हमेशा फर्स्ट किया, तो मेरे जैसा तो दिग्गज कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने समझा, हमारा ये घमंड तुरंत काफूर हो गया देश की राजधानी में आने के बाद, कि भाई यहाँ तो हमारे जैसे ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, तो हमारी क्या तुलना है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ये प्रण किया कि मुझे विशेष दिखने के लिए, बिल्कुल आसमान में ध्रुव तारा का भूमिका होता है, उस ध्रुव तारे की तरह हमारा कुछ कार्य विशेष सा हो, प्रभावी सा हो, इफेक्टिव सा हो, जिससे हमारी एक पहचान बने और लोग मुझे उस रूप में आके और उस कार्य का हमारे मरने के बाद उसका मूल्यांकन हो। और इसी कड़ी में 2010 में एक सज्जन नृपेंद्र कालिया नाम के व्यक्ति, जो मुझे एक सूचना का अधिकार नाम का किताब दिया, उसकी समीक्षा करने के लिए कहा, उसकी समीक्षा के दौरान ही मैंने ये प्रण किया कि जिस टूल की मुझे तलाश थी वो टूल तो ये है, आरटीआई। मैं तब तक उसके बीच में स्टूडेंट लाइफ से और 2010 तक मैं लगातार कई मुख्यमंत्रियों, राज्यपाल और केंद्र सरकार के मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों के पास कम से कम 1000 से ऊपर पत्र विभिन्न समस्याओं के मद्देनज़र लिखा करता था। मेरा ये पैशन था, मेरी ये हॉबी थी, लेकिन मैंने देखा उससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया, फ्रूटफुल कंक्रीट काम नहीं हो पाया, रिप्लाई भी मैक्सिमम डिपार्टमेंट के नहीं आए। तो मैं बड़ा व्यथित था कि ये मेरा मेहनत जो है ना बेकार जा रहा है, और जबकि हम अपनी आमदनी का 50% जो भाग है वो इन्हीं सारे पचड़ों के ऊपर में मैं खर्च करता था, जिसमें से कंप्लेंस के लेटर तैयार करना, उसकी कंपोजिंग, उसका फोटो स्टेट, उसकी पोस्टिंग आरटीआई के दौरान, उसके पोस्टल ऑर्डर्स, उसका स्पीड पोस्ट, तो इन सारे चीज़ों पे मैंने लगभग अभी तक के बजट के अनुसार मैंने प्रति माह 10,000 रुपये का बजट मैंने बना रखा है। और 10,000 रुपये के बजट से मैं देश और दुनिया, कम से कम भारत सरकार के तमाम मंत्रालय का खोज खबर लेने का, उसका कार्य की समीक्षा करने का, उसकी मॉनिटरिंग का ऑपरेशन तो अवश्य मैं करता रहता हूँ। और चाहे वो किसी भी विभाग की नीतियाँ हो, किसी भी विभाग से, मैं समाचार पत्र तो प्रायः हर लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं समाचार को अपने आरटीआई के दृष्टिकोण से पढ़ता हूँ और देश की समस्याओं के मद्देनज़र पढ़ता हूँ। और समाचार के रूप में केवल पढ़ लेना ये मेरा उद्देश्य नहीं होता, उसमें ये खोजने की कोशिश करता हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए नया क्या है, आरटीआई के दृष्टिकोण से क्या है, एक नया प्रश्न कैसे खड़ा होगा। और वह जो नया प्रश्न है वही असली चीज है, वही क्रीम चीज है। और उस चीज के लिए मैं अनुसंधान करता रहता हूँ, मैं आरएनडी करता रहता हूँ। मैं लगभग अभी भी, जब हमारी कोरोना काल नहीं था, तो मैं अपने घर में 27 अखबार लेता था, 27, यह अपने आप में रिकॉर्ड है। आप सभी मौलिक भारत के सदस्यों से सबसे पहले मेरा आग्रह है कि हमारा जो गरीब की कुटिया है, किराए का मकान, और इस एक रूम में मैंने अपने आंदोलन का केंद्र बनाया हुआ है, उस आरटीआई रेवोल्यूशन को मैंने क्रिएट किया है, और कितने संघर्षों से अपने बच्चों के पेट काट करके उसकी आजीविका और उसका जो हिस्सा है
उस हिस्से में से काट करके 50% ये समझ लीजिए 10,000 रुपये का खर्च प्रति माह करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये मैंने किया है और मेरा कुछ भी, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है, मेरा अपना कुछ नहीं। इस कोरोना ने मुझे ये शिक्षा दिया है कि अपना कुछ नहीं है, यह नश्वर शरीर है। इस नश्वर शरीर से जितना परमार्थ हित की भावना से, जितना लोक हित की भावना से ज़्यादा कर सकें, वही जीवन का सार तत्व रह जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं है। आज हम हैं, कल रहें ना रहें, लेकिन हमारा जो क्रिएटिव वर्क है वो समाज को एक दशा और दिशा दे सके, उससे लोग लाभान्वित हों, लोगों के जो समस्याएं हैं उसके सुलझाने की दिशा में गवर्नमेंट का ध्यान आकृष्ट हो, यही हमारा मूल पर्पस रहता है। अभी मैं 2-3 अपने RTI की उल्लेखनीय कार्यों के बारे में मैं आप सबों से रूबरू कराना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में कश्मीरी गेट जो बस अड्डा है उसके पास एक निगम बोध घाट है, और इस निगम बोध घाट का मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आम लोगों को तो नज़र आता है कि वहाँ बहुत अच्छा पोजीशन हो गया पहले से, लेकिन अंदर की बात यह है कि उस जो कोई संस्था ने लिया है, बड़ी पंचायत वैश्यविशा अग्रवाल और उनके जो संचालक हैं, उनकी कई सारी कारस्तानियों और भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को मैंने अपने RTI के माध्यम से उजागर किया है। मैंने अब तक 6 RTI लगाया एक साल में और 4 अपील में मैं जीत चुका हूँ, मेरे पक्ष में निर्णय आ चुका है DC का, और उसके बाद मैं 4 कंप्लेन भी डाल चुका हूँ, और अब मेरा अंतिम दौर चल रहा है। मैंने भी संकल्प कर लिया है कि इस भ्रष्टाचारी को इस निगम बोध घाट से चंगुल से निजात दिलाएंगे, और मैंने सरकार निगम से मैंने आवेदन दिया है कि सबसे पहले इसके रिन्यूअल को रोका जाए, इनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए और नए फ्रेश प्रपोजल्स आमंत्रित किए जाएँ। मेरा निष्पक्ष रूप से यह कहना है कि किस रूप में सरकार और निगम उसको एक ऐसे भ्रष्ट आदमी को रिन्यूअल करने के लिए आमदा है जो रेट को ओवर प्राइस्ड करके 600 की जगह पर 700 रुपया लकड़ी का दाम वसूलता रहा है, 1,000 रुपया के CNG चार्ज को 1,500 रुपया वसूलता रहा है, बोर्ड को वहाँ से 10 साल तक लगने ही नहीं दिया, बोर्ड को उखाड़ फेंका और अंदर में बिना परमिशन का आरा मशीन चला रहा है, पीपल के वृक्ष को काटने का, हरे भरे पीपल को काटने का दुष्कृत किया है, और उसको बेचने का और उससे लकड़ी जलाने का, लाश जलाने का, ये जो सनातन धर्म की परंपरा के विरुद्ध जो कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ आज हमारे बहुत सारे दिग्गज ने सनातन धर्म की परंपरा, हमारी मौलिक संस्कृति के बारे में चर्चा किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कार्य क्या होगा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करें जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज से भी कहता है, लेकिन अंदर खाने में जब मैंने उसका ऑपरेशन किया तो उसके ये काले चेहरे नजर आए। मैं जनता के समक्ष लाने का केवल मैं कार्य कर रहा हूँ, बाकी तो मैं जनता के समक्ष छोड़ देने वाला व्यक्ति हूँ। जनता ही सर्वोपरि है इस लोकतंत्र में, और जनता ही फैसला करेगी कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा, नरेला के एक प्रमुख संस्थान, दिल्ली में एक जगह है नरेला जो बाहरी दिल्ली के एरिया में आती है, और वहाँ एक है जनता पाइल्स क्लिनिक, उसके पूरे दिल्ली में लगभग 6 ब्रांच हैं और 2 ब्रांच आउट ऑफ स्टेशन है, एक नोएडा में और एक हिमाचल प्रदेश में। वह पूरा का पूरा एकदम झोला छाप डॉक्टरों का गैंग है, माफिया है, एक दो माने MBBS डॉक्टर के मुखौटे के अंदर में जो अनस्किल्ड और जो अनसर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो पूरा उस तंत्र को चलाते हैं और इस तरह से लोगों की स्वास्थ्य का मजाक बनाते हैं। हमारे ही एक जानने वाले परिवार का जो व्यक्ति है वो मतलब पाइल्स का अपना इलाज करवाने के लिए गया, इसलिए कि वो अपने बड़े बड़े विज्ञापन में देता है कि पाइल्स का गारंटी सर्तिया इलाज 101% बिना माने ऑपरेशन के, और इस तरह से लोग उसके झांसे में जाके चले जाते हैं, बिना उस रसीद का पैसा भी नहीं देता, पैसा का रसीद भी नहीं देता, मतलब इस तरह से इनकम टैक्स विभाग को भी सचेष्ट होना चाहिए। और इस तरह से बाद में पता चला कि वो जो उसके यहाँ से जो इलाज करवाया तो वो कैंसर का मरीज हो गया। मैंने उसके खिलाफ में FIR दर्ज कराने के लिए गया, लेकिन हमारी सरकार के अंदर में, हमारे संविधान में कुछ ऐसे लूप हॉल्स है जिसका अपराधी नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। हमें ये कहा गया पुलिस से कि हम इस डॉक्टर के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, हम मेडिकल काउंसिल में अप्रोच करेंगे, वहाँ से जो अनुशंसा आएगी उसके आधार पे हम तब FIR दर्ज करेंगे। तो हमारा ये 2 उदाहरणों के माध्यम से, ऐसे तो उदाहरण अनगिनत है हमारे पास, लेकिन इस तरह के सोशल इश्यूज़ पर हम काम कर रहे हैं, हम भी समाज में घूमते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं, केवल अखबार तक ही नहीं, जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को
सुनना, समझना, जानना और उसके लिए फाइट करना, तो हमने जीवन का एक मूल उद्देश्य बनाया है कि हम पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होंगे और पीड़ितों को सपोर्ट करने के दृष्टिकोण से हमने अपनी आरटीआई सेना बना रखी है। हमारे पूरे देश में आरटीआई के वर्कर्स हैं, हमने अपने संगठन के साथ भी उसको जोड़ा है। केवल और केवल आरटीआई पर काम करने के लिए मैंने आरटीआई सेना का गठन किया और उसके साथ साथ हमने लीगल फौज जो है वो भी तैयार किए हैं। आज मुझे गर्व है कि दिल्ली के सभी अदालतों में हमारे संगठन के साथ चलने के लिए फ्री में, निःशुल्क में अपनी सेवा देने के लिए हमारे पास लॉयर्स की फौज भी है। अब हम तो मौलिक भारत संस्था के रीढ़ के रूप में कार्य करना चाहते हैं और मुझे गर्व है कि अनुज जी ने जो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है उसका हम बखूबी ईमानदारी से निष्ठा के साथ कार्य का निर्वहन करें। सभी देश भर के जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनको सुने, समझें, जाने, उनके कृत्यों को बढ़ाने की दिशा में गिलहरी के सदृश हमारा अगर कोई छोटा सा भी कार्य होता है तो मैं अपना अहोभागी समझूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बातें गोपाल जी ने कही हैं और जितनी भी समस्याओं का यहाँ आज दिन भर जिक्र हुआ उसका एक ही निदान है, वो है सनातन संस्कृति, सनातन भारत, मौलिक भारत की पुनर्स्थापना। पूंजीवाद और समाजवाद से निकली हुई ये कड़वी कड़वी घटिया घटिया जो जीवन शैली हमारे इर्द गिर्द है, हम जिसको जी रहे हैं, उसका निदान, उसका इलाज हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी पुरातन जीवन शैली में ही छुपा हुआ है। उसकी पुनर्स्थापना करना, ग्रामीण भारत को उसकी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करना और भारत के भारतपरक मूल्यों की, भारत तत्व की खोज करके भारत को भारत बनाना, जो अब इंडिया बना हुआ है, ये हम सबका ध्येय है, उद्देश्य है। और ये बहुत महत्वपूर्ण आज सुझाव और चर्चाएं हुई हैं, इसको हम समराइज करके बहुत जल्दी सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और एक्शन प्लान के साथ करेंगे। तो आज की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आप सब लोगों का बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक और बहुत ही गहन जो इन्वॉल्वमेंट रहा उसका मैं आपका सबका आभारी हूँ। बहुत लंबा समय खिंच गया है, बहुत लंबी वार्ता हो चुकी है, सब लोग थक भी चुके हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद। और हम बहुत जल्दी फिर कुछ और वेबिनार के माध्यम से एक और डिस्कशन राउंड रखेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें आगे फाइनल कर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे।